नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट IAS में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर की। और आज हम 9, 10 और 11 तारीख, इन तीनों तारीख के जो यहां पर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स निकल कर आ रहे हैं, तो इन डेप्थ डिटेल में एनालिसिस करेंगे, डिस्कस करेंगे और हर एक पहलू को जो है कवर करके चलेंगे। और इसके अलावा जो हमारे पेंडिंग लेक्चर्स पड़े हैं, तो 6, 7 और 8 तारीख का लेक्चर भी पेंडिंग है, तो उसको भी जो आने वाले दिनों में कवर कर दिया जाएगा। ओके, तो अभी कुल मिलाकर 8 टॉपिक्स है जिसको हम डिस्कस करेंगे, तो मेंस कम प्रीलिम्स। तो यहाँ पर दोनों के हिसाब से टॉपिक जो है निकल सकता है, अगर आप UPSC की प्रेपरेशन कर रहे हो। इसके अलावा अगर आप किसी कॉमन और भी एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो, तो वहाँ उसके लिए भी आपको बहुत कुछ यहाँ पर मिलने वाला है, कि क्वेश्चन कहीं से भी निकल कर आ सकता है। तो ये डेली करंट अफेयर का जो लेक्चर है, ये काफी यूजफुल होगा आपके लिए। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था कि शुरुआत हम यहाँ पर UN के जो इंपॉर्टेंट डेज ना, तो उसी के हिसाब से करेंगे। तो अभी जून महीना चल रहा है, तो मतलब पूरे जून में शुरुआत में हम इसी से करेंगे, तो आपकी रेपिटेशन हो जाएगी, तो पता चल जाएगा कौन से डेट को हम कौन सा डे जो है सेलिब्रेट करते हैं। और 1 जून को यहाँ पे गुड डे, ग्लोबल डेज फॉर पेरेंट्स। उसके बाद 3 जून की बात करें तो वर्ल्ड बाइसाइकिल डे है। 4 जून की बात करें, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। और जून 5 की बात करें तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के तौर पर इसको सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा एक और डे है जो सेलिब्रेट किया जाता है जून 5 को, वो है इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग। ओके, तो फिशिंग के बारे में है ये इंटरनेशनल डे, 5 जून, ध्यान रखिएगा। और 6 तारीख को रशियन लैंग्वेज डे, 7 तारीख को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, 8 तारीख को वर्ल्ड ओशियन डे, और इसके अलावा 12 तारीख को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, और 13 तारीख को इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। ओके, तो आगे 14 तारीख को बात करें तो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, 15 तारीख को वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, 16 तारीख को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस, 17 तारीख को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन एंड ड्राउट, 18 तारीख को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे, 19 तारीख को इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट, 20 तारीख को वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, 21 तारीख को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, इंटरनेशनल डे ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ द सोलस्टिस। ओके, दो यहाँ पर डेज के तौर पर 21 तारीख को सेलिब्रेट करते हैं, तो अभी ये भी याद रखें। और 23 तारीख की बात करें तो UN पब्लिक सर्विस डे और इंटरनेशनल विडोज डे, 2 दिन यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं 23 तारीख को भी। 25 तारीख को डे ऑफ द सी फेयर, और 26 तारीख को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर। तो 2 दिनों, 2 दिन जो यहाँ पे सेलिब्रेट होते हैं 26 तारीख को भी, 26 जून को। और 27 तारीख को माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस डे, तो छोटे जो कारोबारी हैं, अदारे जो है, उसके लिए ये डे जो सेलिब्रेट करते हैं। 29 तारीख को इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स, और 30 तारीख को इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे, इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म। ओके, तो यहाँ पर ये भी दो जो डेज है, एक दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं, तो आपको याद हो जाने चाहिए सभी डेज, तो इम्पोर्टेंट है सभी। और अभी हम बात करते हैं पहले टॉपिक की। तो पहले टॉपिक में यहाँ पर बात की जा रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो इसका जो टॉपिक है जनरल स्टडीज 2 के अंतर्गत आता है, वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के तहत। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये न्यूज में इसलिए कि अभी एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर है जिनका नाम है अनूप चंद्र पांडे, तो उनको चार्ज दिया गया है इलेक्शन इलेक्शन कमिश्नर का। ओके, तो यहाँ पर देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जब भी बात करेंगे, तो ये मल्टी यहाँ पर मेंबर बॉडी, मल्टी मेंबर बॉडी है। यहाँ पर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और उनके अंतर्गत यहाँ पर 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो अभी उसी के अंतर्गत जो है एक इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर इनको चार्ज दिया गया है। और आगे यहाँ पर बात करें कि है क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो ये ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। ओके, ऑटोनॉमस मतलब स्वैचलित, बहुत सारी पावर्स इसके पास है। ओके, तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है कि यहाँ पर यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के, और यहाँ पर स्टेट इलेक्शन जो है वो करवाने के लिए भारत में। ओके, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल है, चाहे राज्य को इलेक्शन हो चाहे केंद्र सरकार के इलेक्शन हो। इसके अलावा जो इलेक्शन करवाए जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, वो है लोकसभा, राज्यसभा। ओके, और अभी जो मैंने बात की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन इंडिया। ओके, जो राज्यों में जो इलेक्शन होते हैं, तो ये सभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा करवाए जाते हैं। इसके अलावा प्रेजिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, इन दोनों का इलेक्शन भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही करवाया जाता है, तो ये सभी बातें ध्यान में रखें। और अभी थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में देखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बैकग्राउंड में। यहाँ पर ये हमारा जो भारतीय संविधान है उसका जो पार्ट नंबर 15 है। ओके, पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन,
उसके अंतर्गत ही आता है, जो कि यहाँ पर डील करता है इलेक्शन एस्टेब्लिशेस ए कमीशन फॉर दीज मैटर्स। ओके, इलेक्शंस करवाने के लिए यहाँ पर एक कमीशन को जो है एस्टेब्लिश किया जाएगा, जो कि किया गया। कब किया गया? ये किया गया 25 जनवरी 1950 को। ओके, 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया, और यहाँ पर संविधान के आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक यहाँ पर जो है जो भी बातें की गई हैं, वो यहाँ पर यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में की गई है। तो यहाँ पर बताया गया है जो पावर्स क्या होंगी, फंक्शन क्या होंगे, टेन्योर क्या होगा, जो भी यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर तैनात होगा, या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर तैनात होगा, एलिजिबिलिटी क्या होगी, मतलब कौन यहाँ पर एलिजिबल है चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने के लिए। तो ये सभी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। चाहे चीफ इलेक्शन कमीशन यहाँ पर बनना है, चाहे इलेक्शन कमिश्नर बनना है। और आगे यहाँ पर बात करें इसके स्ट्रक्चर के बारे में, तो पहले शुरुआत में बात करें कि जब यहाँ पर शुरुआत में कमीशन बनाया गया था, तो उस समय सिर्फ वन इलेक्शन कमिश्नर यहाँ पर होता था। ओके, एक इलेक्शन कमिश्नर। और बाद में यहाँ पर बात करें कि इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट 1989 आया, तो यहाँ पर तब इसको एक मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया। तो इससे पहले यहाँ पर एक वन इलेक्शन, एक इलेक्शन कमिश्नर होता, इसके अलावा कोई और इलेक्शन कमिश्नर नहीं होता था। ओके, और आगे बात करें कि दिस कमीशन कंसिस्ट ऑफ वन इलेक्शन कमिश्नर एंड टू इलेक्शन कमिश्नर्स। ओके सॉरी, वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड टू इलेक्शन कमिश्नर्स, जिनमें अभी मैंने शुरुआत में आपको बोला था। तो इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया गया है, इसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं, जिसके रिगार्डिंग चर्चा कर रहे हैं। तो इसका जो सेक्रेटरी है न्यू दिल्ली में है। तो स्टेट लेवल इलेक्शन कमीशन की बात करें, तो यहाँ पर चीफ इलेक्टोरल जो ऑफिसर होते हैं, जो कि IAS रैंक के ऑफिसर होते हैं, तो वो यहाँ पर हेल्प करते हैं इलेक्शन कमीशन की। तो स्टेट लेवल जो इलेक्शन कमीशन होते हैं उनकी। इसके अलावा प्रेसिडेंट जो है, तो वो अपॉइंट करते हैं चीफ इलेक्शन कमीशनर को और इलेक्शन कमिश्नर्स को। ओके, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि इलेक्शन कमिश्नर्स को चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन अपॉइंट करता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। और जो इनका टेन्योर होता है, फिक्स टेन्योर होता है, कितने देर का? 6 साल का। या तो 6 साल का टेन्योर हो जाएगा, और या फिर जब तक आपकी जो एज है वो 65 साल की यहाँ पर ना हो जाए, जो भी यहाँ पर पहले हो जाएगा, या फिर 6 साल का टेन्योर पहले पूरा हो गया, या फिर 65 साल की एज पहले आ गई, तो फिर उस हिसाब से जो है रिटायरमेंट हो जाती है। और आगे बात करें कि सेम स्टेटस यहाँ पर एंजॉय किया जाता है, और यहाँ पर सैलरी भी सेम मिलती है। ओके, जो कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मिलती है। ओके, तो सेम क्राइटेरिया होता है सैलरी के रिगार्डिंग भी और स्टेटस के रिगार्डिंग भी। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की यहाँ पर बात करें कि उसको रिमूव किया जा सकता है, तो यहाँ पर एक प्रोसेस ऑफ रिमूवल है, जो कि सिमिलर है अगर हम यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जज की बात करें, तो उसको जैसे रिमूव किया जाता है, बिल्कुल बिल्कुल जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसको भी वैसे ही रिमूव किया जाता है। पार्लियामेंट ही रिमूव करती है, क्योंकि पार्लियामेंट में अच्छी यहाँ पर मेजोरिटी से ये जो है रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, यहाँ पर रिमूव करना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। तो अगर ये पार्लियामेंट पास करेगी तभी रिमूवल होगा। ओके, तो यहाँ पर रिमूवल के प्रोसीजर के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी चाहे हाई कोर्ट के जजेस हों, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, चाहे यहाँ पर कैग हो, कैग मतलब कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो इसका काम होता है कि जो पैसा यहाँ पर दिया जाता है राज्य सरकारों को या केंद्र सरकार को, तो उसका पूरा एवेल्यूएशन करता है। कि फाइनेंस कमीशन के द्वारा पैसा दिया जाता है, तो पूरा एवेल्यूएशन करता है कितना पैसा किस पर्पस के लिए दिया गया और यहाँ पर कहाँ लगा। तो ये पूरी रिपोर्ट देता है हर साल ये। ओके, कैग जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म। तो इन सभी को रिमूव किया जा सकता है ऑफिस से। तो यहाँ पर एक मोशन जो है ना, रेजोल्यूशन जो है अडॉप्ट किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। तो यहाँ पर क्यों, कब किया जाता है? जब यहाँ पर प्रूवन मिसबिहेवियर हो, यहाँ पर इनकैपेसिटी हो। प्रूवन मिसबिहेवियर मतलब पता चल गया, प्रूफ हो गया कि मिसबिहेव किया है इन्होंने अपनी पोस्ट पे रहते हुए। ओके, और प्रूफ मतलब विद प्रूफ होना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं कि किसी ने इल्जाम लगा दिया तो मतलब यहाँ पर रेजोल्यूशन शुरू हो जाएगा। प्रूफ चाहिए, बकायदा प्रूफ कि हाँ भाई इन्होंने ये काम किया है। ओके, और दूसरा इनकैपेसिटी मतलब कि अभी मेंटल सिचुएशन या फिजिकल सिचुएशन, या जो है फिजिकली फिट नहीं है, मेंटली फिट नहीं है, और पता चल रहा है कि मतलब कि ये इनकी इनकैपेसिटी है, तब भी इनको रिमूव जो है कर दिया जाता है। और अभी रिमूवल के लिए क्या चाहिए? स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, 2/3 जो मेंबर होते हैं पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट में जो प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ पर 552 सीट्स हैं लोकसभा की, तो 552 ही प्रेजेंट होंगे, इसको समझिए थोड़ा। जितने प्रेजेंट होंगे, जैसे आप क्लास लगाने जाते हो स्कूल में, तो ऐसा नहीं कि डेली जो है हर रोज सारे बच्चे आ जाते हैं। जितने प्रेजेंट होंगे उस हिसाब से अटेंडेंस होती है। तो यहाँ पर भी पार्लियामेंट में जितने प्रेजेंट होते हैं, तो उनका 2/3 जो है यहाँ पर, उनमें से लोगों को यहाँ पर वोटिंग करनी होगी स्पेशल मेजोरिटी यहाँ पर पास करने के लिए। और यहाँ फिर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एंड वोटिंग सपोर्टेड बाय द 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। ओके, 50% से ज्यादा का यहाँ पर सपोर्ट होना चाहिए, जितनी भी कुल संख्या है यहाँ पर पार्लियामेंट के जो मेंबर है। और आगे बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल डज नॉट यूज द वर्ड इम्पीचमेंट,
ये भी ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी ये शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया इम्पीचमेंट का, ओके कि मतलब कि हम जजेस का या क्या सीईज का जो है इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। तो जो इम्पीचमेंट को टर्म है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यूज की जाती है फॉर रिमूविंग द प्रेजिडेंट, ओके विच रिक्वायर्स द स्पेशल मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स और द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट विच इज नॉट यूज्ड एल्सवेयर। ओके अभी तक मतलब इस तरीके से प्रेजिडेंट को इम्पीच नहीं किया गया है, लेकिन प्रेसिडेंट को अगर रिमूव करना है उसकी पोस्ट तो यहाँ पर भी स्पेशल मेजोरिटी चाहिए 2/3 मेंबर्स की यहाँ पर, और टोटल स्ट्रेंथ जितनी टोटल स्ट्रेंथ है। ओके तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर टोटल स्ट्रेंथ जितनी है ना, जैसे 552 लोकसभा, तो उसका 2/3 चाहिए अगर प्रेसिडेंट को रिमूव करना है। तो ये थोड़ा सा टफ काम होता है। तो ये आर्टिकल्स हैं, जैसे मैंने शुरुआत में बात की, 324 से शुरू होता है, 329 तक जाता है। तो ये 324 यहाँ पर सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस के बारे में बात करता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। 325 बात करता है नो पर्सन टू बी इन एलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन और टू क्लेम टू बी इंक्लूडेड इन स्पेशल इलेक्टोरल रोल ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन रेस कास्ट एंड सेक्स। तो यहाँ पर कोई स्पेशल क्राइटेरिया नहीं दिया जाएगा कि आप किसी धर्म विशेष या जाति विशेष से यहाँ पर बिलोंग करते हो, तो आपको थोड़ा सा अलग यहाँ पर इलेक्टोरल रोल दे दिया जाएगा कि आप जो है आप एलिजिबल नहीं है, या फिर ये कह दिया जाए कि सिर्फ आप ही एलिजिबल हो, तो ये चीज़ यहाँ पर नहीं होगी। 326 में यहाँ पर बात करें इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स टू बी ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज, मतलब अडल्ट सफरेज मतलब लोग वोट करेंगे। तो यहाँ पर कौन कौन से इलेक्शंस की बात करें, हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा के इलेक्शन, और लेजिस्लेटिव असेंबलीज मतलब जो राज्य के जो यहाँ पर जो एमएलए के इलेक्शन होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। 327 यहाँ पर बात करना है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू लेजिस्लेचर्स। ओके तो यहाँ पर पार्लियामेंट के पास पावर दी गई है कि यहाँ पर प्रोविजन बनाया जाए। तो यहाँ पर इलेक्शन जो हो रहे हैं स्टेट लेजिस्लेशन, तो उसके रिगार्डिंग जो भी यहाँ पर मॉडिफिकेशन चेंजेस करनी है उसके रिगार्डिंग। 328 के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं पावर ऑफ लेजिस्लेचर टू ऑफ स्टेट, तो यहाँ पर जो राज्य की पावर जो लेजिस्लेचर है असेंबली उसके उसको पावर दिया जा रहा है टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू सच लेजिस्लेचर। तो यहाँ पर वहाँ उनके इलेक्शन के रिगार्डिंग, राज्य के इलेक्शन के रिगार्डिंग जो यहाँ पर चेंजेस करनी है उसके रिगार्डिंग पावर है। और 329 यहाँ पर बात कर रहे हैं अबाउट टू इंटरफेरेंस बाई कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स। तो यहाँ पर जो कोर्ट्स हैं हमारी, तो यहाँ पर वो इंटरफेयर नहीं कर सकती इलेक्टोरल मैटर्स में जब इलेक्शंस यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, तो यहाँ पर जुडिशियरी की कुछ पावर्स इसको ऑलरेडी दी हुई है। तो आपने देखा होगा जब अभी कुछ राज्यों में इलेक्शंस हुए, जैसे वेस्ट बंगाल में होकर हटे हैं, तो ममता बनर्जी को 24 घंटे के लिए यहाँ पर बैन लगा देते कि आप बोलेंगे नहीं, स्पीच नहीं देंगे। तो यहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ था कि एक जगह पे, तो ये मतलब खुद से सजा देते हैं जो भी लगता है कि जो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का यहाँ पर गलत इस्तेमाल गलत जो है फायदा उठा रहे हैं, मतलब कुछ भी जाकर जो है बोले जा रहे हैं, तो यहाँ पर उसके खिलाफ कार्रवाई करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अभी बात करते हैं हम अगले टॉपिक की। तो यहाँ पर तेलंगाना हाई कोर्ट की बात करें, तेलंगाना हाई कोर्ट न्यूज में क्यों, तो यहाँ पर बात की जा रही है कि तेलंगाना हाई कोर्ट जी ना यहाँ पर वन ऑफ द बिगेस्ट यहाँ पर हाइक यहाँ पर देखने को मिलेगी अक्रॉस द होल इंडिया अंडर द मैटर ऑफ जुडिशियल स्ट्रेंथ। ओके जुडिशियल स्ट्रेंथ मतलब नंबर ऑफ जजेस की यहाँ पर ना बात कर रहे हैं कि वो बढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक बिगेस्ट हाइक यहाँ पर पूरे देश में पहली बार आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर बात करें लॉन्ग टाइम आफ्टर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन, तो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनका नाम है एन वी रमन। ओके तो अभी वो भी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो उन्होंने यहाँ पर मैटर रखा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के साथ, और यहाँ पर जो यूनियन लॉ मिनिस्टर है उनके सामने भी। तो भारत के यूनियन लॉ मिनिस्टर कौन है उसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर 2 साल यहाँ पर पुराना यहाँ पर एक पेंडिंग रिक्वेस्ट थी कि मतलब ज्यादा जजेस यहाँ पर चाहिए। ओके तो यहाँ पर पेंडेंसी है, तो यहाँ पर केसेस बहुत ज्यादा जो है पेंडिंग है यहाँ पर हाई कोर्ट में, तेलंगाना हाई कोर्ट में, जिसके चलते नंबर ऑफ जजेस की यहाँ पर गिनती जो है जजेस की बढ़ानी है, तो ये रिक्वेस्ट थी। तो अभी लग रहा है कि शायद ये पूरी हो। तो अभी फैक्ट्स अगर बात करें तेलंगाना हाई कोर्ट के बारे में, तो अगर ऐसा होता है, अगर हाइक होता है, तो यहाँ पर 75% इंक्रीज देखने को मिलेगा। ओके जो यहाँ पर तेलंगाना हाई कोर्ट में जो जजेस हैं उनकी यहाँ पर गिनती में, इन इट्स सैंक्शन बेंच स्ट्रेंथ विल इमीडिएट इफेक्ट। तो यहाँ पर इमीडिएट इफेक्ट से यहाँ पर जो है ये जो बढ़ोतरी है वो कर दी जाएगी। और इसी के चलते यहाँ पर बात करें जो नंबर ऑफ जजेस है हाई कोर्ट में, तो ये 24 से यहाँ पर 42 हो जाएंगे। ओके तो 24 अभी गिनती है, तो उससे 42 ये हो जाएंगे जब यहाँ पर इस तरीके से ये जो 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 स्ट्रेंथ अगर इसको बढ़ा दिया जाए, तो मतलब 18 की गिनती बढ़ेगी, 18 और ऐड होंगे इसमें। और आगे बात करें कि हाई कोर्ट की यहाँ पर रिक्वेस्ट थी, तेलंगाना हाई कोर्ट की रिक्वेस्ट थी कि यहाँ पर ज्यादा जजेस हमें चाहिए। ओके तो यहाँ पर ये रिक्वेस्ट कब की है, ये फरवरी 2019 की रिक्वेस्ट है। तो ये काफी पुरानी रिक्वेस्ट यहाँ पर हो चुकी। तो उस समय यहाँ पर उन्होंने रिक्वेस्ट क्यों की थी, क्योंकि ये कह रहे थे कि यहाँ पर जो बैकलॉग है केसेस का वो यहाँ पर काफी बढ़ चुका है, 2.37 लाख केसेस यहाँ पर पेंडिंग है तेलंगाना हाई कोर्ट में। तो उसी के चलते यहाँ पर इन्होंने रिक्वेस्ट की।
और जो यहाँ पर प्रपोजल है हाइक का, तो यहाँ पर इसके बारे में बात करेगी। पहली बार ये सेंट किया गया था यूनियन लॉ मिनिस्टर को, उस समय के जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट थे 2019 में। ओके, तो 2 साल पुराना मैटर ये है, 2 ढाई साल पुराना मैटर। और आगे बात करें हाई कोर्ट, जो इंडिया में हाई कोर्ट है उसके रिगार्डिंग, तो उसकी अगर बात करें तो यहाँ पर प्रिंसिपल सिविल कोर्ट्स हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के तहत, मतलब कि जो मतलब ओरिजिनली जो मुद्दा उनके पास गया है तो उसके रिगार्डिंग अपना जो फैसला वो सुना रही है। ओके, तो उनकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है अपने पास। ओके, तो यहाँ पर हर एक राज्य में या यूनियन टेरिटरी में आपको जो है हाई कोर्ट देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ऐसा होता है भारत में, ऐसा नहीं कि जैसे सभी यूटीज में आपको हाई कोर्ट देखने को मिले। जैसे आपको दिल्ली हाई कोर्ट की बात करें, दिल्ली एक यूटी है, दिल्ली के पास हाई कोर्ट है, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी यहाँ पर हाई कोर्ट जो यूनियन टेरिटरीज में सबके पास यहाँ पर अपनी हाई कोर्ट है। ओके, अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूँ तो उसी के यहाँ पर सटा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, तो उसी के अंतर्गत सुनवाई हो जाती है चंडीगढ़ के यहाँ पर, जो जो भी यहाँ पर जो कार्रवाई करनी होती है, लोगों की जो सुनवाई होती है। ओके, उसी तरीके से भारत में और भी यूनियन टेरिटरीज हैं, तो उनकी यहाँ पर पर्टिकुलर अलग यहाँ पर जो है हाई कोर्ट है। ओके, यहाँ पर किसी राज्य के अंदर भी वो हाई कोर्ट हो सकती है, कि मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा आपको। और आगे यहाँ पर बात करें जो यहाँ पर काम होता है, ज्यादातर जो हाई कोर्ट्स का जो काम होता है, तो यहाँ पर ज्यादातर अपील्स आती हैं लोअर कोर्ट्स में। ओके, जो मतलब लोअर कोर्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जो केस हार जाते हैं वो अपील करते हैं हाई कोर्ट्स में। दूसरा यहाँ पर होता है रिट पिटीशंस आती हैं, तो यहाँ पर आर्टिकल 226 से 227 तक यहाँ पर जो रिट पिटीशंस आप दायर कर सकते हो। 5 तरह की अलग अलग रिट्स होती हैं। ओके, तो वो क्या होती हैं रिट्स? ओके, तो उनका सिर्फ मुझे इनिशियल्स बताइए, वो 5 रिट्स कौन कौन सी हैं, बस वही आंसर कीजिए मुझे आप। अगर आपको ये पता है कि कौन सी रिट का क्या काम है, तो अगर पता है तो वो भी जो है कमेंट बॉक्स में आंसर करें। ओके, तो ये रिट्स जो है ना, ज्यादातर ये भी डाली जाती है, जैसे अगर किसी को इलीगली ऐसे उठा लिया गया, तो वो जेल में डाल दिया गया, तो उसके पास राइट है कि वो रिट दायर करे। जैसे हैबियस कॉर्पस यहाँ पर रिट होती है, तो कोर्ट जो है ना यहाँ पर इस मामले की सुनवाई करेगा, तो यहाँ पर फटकार लगाएगा उसको, उस अथॉरिटी को, अगर पुलिस है तो पुलिस को, कि ऐसे कैसे उठा लिया गया। तो रिट जो है वो दायर की जा सकती है। आगे यहाँ पर बात करें जो अगर रिट ज्यूरिसडिक्शन जो है ना, तो ये मतलब ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, मतलब कि ये हाई कोर्ट के दायरे के अंतर्गत आती है, ओरिजिनली यही फैसला सुनाते हैं इसके रिगार्डिंग। ओके, तो ओरिजिनल मतलब ये है, कुछ यहाँ पर देखो मैटर ऐसे होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ही उनके ऊपर फैसला देगा। कुछ मैटर ऐसे होते हैं जो लोअर कोर्ट ही उसके ऊपर फैसला देता है। तो यहाँ पर हर एक की कुछ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होती है, जिसके ऊपर जो खुद से यहाँ पर फैसला दे सकते हैं। ओके, तो इसी तरीके से यहाँ पर हाई कोर्ट की जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, तो यहाँ पर रिट ज्यूरिसडिक्शन जो है वो उसके अंतर्गत ही आती है। ओके, ध्यान रखिएगा इसका। और आगे बात करें कि हर एक राज्य जो है यहाँ पर जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर जो है डिवाइड किया हुआ है, और वहां पर जो है एक सेशन जज जो है बैठाया गया है हर एक डिस्ट्रिक्ट में, इसको हम डिस्ट्रिक्ट जज भी बोलते हैं। तो यहाँ पर वो डिस्ट्रिक्ट जज कब बोलते हैं ये भी ध्यान रखिएगा, जब वो यहाँ पर सिविल केस के ऊपर यहाँ पर जो सुनवाई कर रहे हो, ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब वो किसी सिविल केस के ऊपर सुनवाई कर रहे हो तब उसको हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। और अगर वो यहाँ पर कोई क्रिमिनल केस की सुनवाई कर रहे हो, तो हम उसको कहते हैं सेशन जज। ओके, ये ध्यान रखिएगा, जब किसी क्रिमिनल केस की सुनवाई करेंगे तो वो सेशन जज है, और यहाँ पर जब किसी सिविल केस की सुनवाई करेंगे तो वो सेशन जज उसको कहा जाता है। और इसके अलावा बात करें, ही इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी बिलो ए हाई कोर्ट जज। अगर मैं डिस्ट्रिक्ट जज की बात करूं, तो यहाँ पर हाई कोर्ट जज के अगर नीचे कोई है, तो यहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट जज आता है। उसके नीचे अगर बात करें, देर आर कोर्ट्स ऑफ सिविल जुरिस्डिक्शन नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट स्टेट्स। और आगे यहाँ पर बात करें आर्टिकल 141 की, तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ऑल कोर्ट्स इन इंडिया इंक्लूडिंग हाई कोर्ट्स आर बाउंडेड बाय द जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बाय प्रेसिडेंट्स। तो यहाँ पर बाउंड है वो, जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हाई कोर्ट्स को दे देगा तो मानना पड़ेगा। और इसके अलावा और भी जो कोर्ट्स हैं, ओके, ऑल कोर्ट्स मतलब जो सेशन कोर्ट है, सभी को यहाँ पर अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया वो मानना पड़ेगा। तो ये इसीलिए ऐसा होता है ना, जब आप कोई सेशन कोर्ट से केस हारते हो, हाई कोर्ट जाते हो, हाई कोर्ट से हारते हो, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट गुहार लगाते हो, अपील करते हो, तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुनाता है, तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर आपका फैसला आपके हक में आ गया ना, तो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि हाई कोर्ट जो है ना वो फिर दोबारा से यहाँ पर जो आपस में कोई कोलिजन हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंतर्गत, कि मैंने तो ये फैसला सुनाया था, आपने इसके उलट सुनाया, उलट क्यों सुनाया, मैं दोबारा से कार्रवाई करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुना दिया वो फाइनल है, तो मानना पड़ेगा हाई कोर्ट को भी, सभी सेशन कोर्ट्स को भी। और आगे बात कर रहे हैं जो जजेस होते हैं हाई कोर्ट में, उनको कौन अपॉइंट करता है? जजेस जो होते हैं हाई कोर्ट में, उनको यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करते हैं। तो यहाँ पर किसकी कंसल्टेशन के साथ अपॉइंट किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है।
एक तो यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और दूसरे यहाँ पर जो है गवर्नर ऑफ द स्टेट। ओके, तो यहाँ पर इन दोनों की सलाह ली जाती है, गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दोनों का यहाँ पर नाम ध्यान रखकर मैंने हाईलाइट कर दिए। ओके, तो इन्हीं की कंसल्टेशन लेकर जो है हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाता है। और हाई कोर्ट्स को कौन हेड करता है? चीफ जस्टिस। तो यहाँ पर चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट्स के। ओके, अलग अलग। अभी कुछ फैक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहली बात कि भारत में कुल कितनी हाई कोर्ट्स हैं, तो 25 हाई कोर्ट्स हैं भारत में। और आगे यहाँ पर बात करें कि जो नंबर ऑफ जजेस होते हैं कोर्ट में, वो कैसे डिसाइड किया जाता है कि ये एक कोर्ट में अगर हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट है तो यहाँ पर सपोज करो इतने जजेस हैं, तो इतने ही क्यों, ज्यादा क्यों नहीं, कम क्यों नहीं? ओके, तो यहाँ पर ये कैसे डिसाइड होता है, तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ये चीजें डिसाइड होती हैं बाय डिवाइडिंग द एवरेज इंस्टीट्यूशन ऑफ मेन केसेस, ओके, ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स बाय द नेशनल एवरेज। ओके, मतलब जितना किसी एक हाई कोर्ट में नंबर ऑफ केसेस निकल कर आ रहे हैं, और उसको यहाँ पर जो है डिवाइड करो, पिछले 5 सालों के जो इतने केस निकल कर आए उसको यहाँ पर जो है डिवाइड करो बाय द नेशनल एवरेज, पूरे नेशनल लेवल पर कितने केस निकल कर आ रहे हैं उसके साथ। ओके, तो फिर यहाँ पर आपको एक एवरेज रेट मिलेगा, यहाँ पर कितने मेन केसेस जो है निकल कर आ रहे हैं पर जज पर ईयर इन दैट हाई कोर्ट। ओके, तो उसी हिसाब से यहाँ पर जो है ये कैलकुलेशन बना रही जा रही है, बना ली जाती है कि पर्टिकुलर यहाँ पर टोटल जितने केस है, तो उसके मुकाबले में मैक्सिमम कितने यहाँ पर जो जजेस जो है अपॉइंट किए जा सकते हैं कि वो केसेस का निपटारा हो जल्दी। ओके, तो इस तरीके से ही चलता है। लेकिन इसमें ऐसा होता है कि जो हाई कोर्ट्स में जजेस की अपॉइंटमेंट होती है ना, तो राज्य सरकारों के पास इतना पैसा ही नहीं होता कि यहाँ पर और जो है बढ़ोतरी कर दी जाए, तो वो मतलब वो भी खींचते रहते हैं जो हाई कोर्ट्स, अगर मैं राज्य सरकारों की भी बात करूँ तो गिने चुने कोई राज्य हैं जो मतलब सोचते हैं कि इनके ऊपर काम करना चाहिए। ओके, और आगे बात करें कि जो सबसे पुरानी जो यहाँ पर हाई कोर्ट है भारत की, वो कौन सी है? वो कलकत्ता हाई कोर्ट है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये सभी फैक्ट्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इसको कब बनाया गया था? इसको 2 जुलाई 1862 में बनाया गया था। ओके, और आगे बात करें, हाई कोर्ट्स दैट हैंडल नंबर्स केसेस ऑफ पर्टिकुलर रीजन हैव परमानेंट बेंचेस एस्टेब्लिश देयर। तो यहाँ पर उनके कुछ अलग अलग पर्टिकुलर रीजन में ना अपने परमानेंट बेंचेस भी हैं हाई कोर्ट से। अगर मैं बात करूँ, आगे मैं पूरी एक लिस्ट बताऊंगा आपको, उससे आपको पता चल जाएगा कि अलग अलग हाई कोर्ट्स हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक ही पर्टिकुलर बेंच, जिस शहर का नाम आ गया तो वहीं पर वो बेंच है, इसके अलावा दूसरे यहाँ पर एरियाज में भी है, अगर राज्य बहुत बड़ा है तो। ओके, तो यहाँ पर बात करें, बेंचेस आर ऑल्सो प्रेजेंट इन स्टेट्स वेन कम अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट आउटसाइड टेरिटोरियल लिमिट्स। तो यहाँ पर टेरिटोरियल लिमिट्स के बाद भी यहाँ पर कुछ यहाँ पर बेंचेस हैं कुछ कोर्ट्स की। तो ये टेरिटोरियल लिमिट, जैसे आप भारत का मेन लैंड छोड़कर अगर आप लक्षद्वीप चले गए, अंडमान निकोबार चले गए, तो वहां पर की जो वहां पर भी तो कुछ सुनवाई के लिए मतलब कोई कोर्ट चाहिए ना, तो यहाँ पर वहां पर भी बेंचेस कुछ हाई कोर्ट की हैं। मैं ये ऐसा नहीं कि अंडमान निकोबार की यहाँ पर अलग से हाई कोर्ट होगी, लक्षद्वीप की अलग से हाई कोर्ट होगी, ऐसा नहीं है। ओके, कोई मेन मेन लैंड पे हाई कोर्ट है जिसके अंतर्गत लक्षद्वीप आता है, जिसके अंतर्गत जो है अंडमान निकोबार आता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये मैं बताऊंगा अभी। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं जो स्मॉलर स्टेट्स विद फ्यू केसेस में हैव सर्किट बेंचेस, तो यहाँ पर सर्किट बेंचेस की बात कर रहे हैं कि जो छोटे राज्य हैं जहाँ पर कम केसेस निकल कर, तो वहाँ पर सर्किट बेंचेस जो है एस्टेब्लिश किए जाते हैं। सर्किट बेंचेस को यहाँ पर जो है सर्किट कोर्ट्स भी कहा जाता है कुछ दुनिया में, कुछ देशों में। तो इनको यहाँ पर टेम्परेरी कोर्ट्स कहा जाता है। तो यहाँ पर जो प्रोसीडिंग्स को होल्ड करते हैं, तो यहाँ पर एक साल में गिने चुने कुछ महीनों के अंतर्गत, तो मतलब तभी जो है कचहरी लगती है, जितना केस यहाँ पर है किसी राज्य में, अगर छोटा राज्य है कम केस, तभी उनका निपटारा कर दिया जाता है। ओके, और आगे बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो बॉम्बे हाई कोर्ट की जो बिल्डिंग है, ओके, तो यहाँ पर ये विक्टोरियन, यहाँ पर जो है यहाँ पर एक म्यूजियम था पहले। ओके, तो उसी आर्ट के रिगार्डिंग यहाँ पर जो है उसी को दोबारा बॉम्बे हाई कोर्ट को यहाँ पर बना देगा उसी एरिया पे। तो यहाँ पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत जो है ये शामिल है, बॉम्बे हाई कोर्ट की बिल्डिंग, और इसके अलावा जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है। ओके, तो ये भी यहाँ पर पार्ट है किसका? एक आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कॉर्बूज़िए। तो यहाँ पर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट भी, और इसके अलावा जो पंजाब और हरियाणा की जो असेंबली है चंडीगढ़ में, तो यहाँ पर वो भी इन्हीं के द्वारा डिजाइन की गई थी, तो ली कॉर्बूज़िए के द्वारा। तो वो भी यहाँ पर जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत आती है। ये सभी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान रखें इनका। आगे बढ़ते, अभी हम बात करेंगे रेंगमा नागास के बारे में। तो ये न्यूज में है अभी। तो न्यूज में क्यों है? तो पहली बात, ये कहां पर पाए जाते हैं? ये असम में पाए जाते हैं। न्यूज में इसलिए कि इन्होंने यहाँ पर एक लेटर लिखा है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह को, तो ये डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है ना वो बनाया जाए जहां पर ये लोग रह रहे हैं, जो जहां पर ये ट्राइबल ग्रुप पाया जा रहा है रेंगमा नागास के नाम का।
ओके, तो यहाँ पर ये क्यों कह रहे हैं कि हमें ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दिया जाए, क्योंकि अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक डिसीजन दिया है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलकर क्या किया है, जो कार्बी एंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल है ना, उसको अपग्रेड करके टेरिटोरियल काउंसिल जो है वो बना दिया। तो यहाँ पर अपग्रेड करके टेरिटोरियल काउंसिल बना दिया, तो अभी जो जिनको कुछ नहीं मिला तो वो बोलेंगे। ओके, तो देखो असम में कुछ एक ट्राइबल तो पाया नहीं जाता, कि मतलब कोई एक आदिवासी समूह तो बहुत सारे हैं, तो बड़ी मुश्किल से उनको कंट्रोल करके रखा हुआ। असम पूरा राज्य होता था, नॉर्थ ईस्टर्न जो अभी 7 स्टेट्स आप देखने को मिलती हैं, ये 7 राज्य नहीं थे पहले। ओके, पूरा का पूरा एक असम राज्य था। तो ये मतलब सबको सेटिस्फाई करते करते, जितने भी ट्राइबल एरियाज में मेजोरिटी ग्रुप में जो लोग थे, सेटिस्फाई करते करते वो 7 टुकड़ों में बट गया असम। तो अभी हम कहते हैं कि 7 सिस्टर्स के साथ यहाँ पर अलग अलग राज्य हैं हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। ओके, तो अभी अगर और सेटिस्फेक्शन करते गए ना, तो और भी बहुत सारे राज्य निकल आएंगे, क्योंकि अभी भी बहुत सारा डिमांड है। तो अभी उसी डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए ना, तो यहाँ पर एक प्रोविजन लगेगी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की। ओके, तो यहाँ पर ये मतलब ADC यहाँ पर काम करता है। तो मतलब जो ट्राइबल ग्रुप्स चाहते हैं कि हमें ऑटोनॉमी मिले, हम खुद से काम करना चाह रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हम पे कोई प्रेशर ना डाले, स्टेट गवर्नमेंट कोई प्रेशर ना डाले, खुद से अपना टैक्स लगाए, खुद से रेवेन्यू इकट्ठा करें, खुद से अपना सरकार चलाएं, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट जो है उसको चलाया जाए, तो मतलब इस तरीके से बनाए गए हैं यहाँ पर कुछ कुछ ADC बनाए गए हैं, कि मतलब स्वयं चलन आप करो, कुछ ट्राइबल ग्रुप्स को ये खुद मुख्तियारी दी गई है। ओके, तो यहाँ पर इसलिए दी गई है कि कल को ये राज्य की डिमांड ना करे, ये राज्य की डिमांड कर रहे थे, इसलिए यहाँ पर इसको ADC दिया गया है सबको। ओके, यही सबको ऑटोनॉमस चाहता है कि मैं खुद मुख्तियारी अपना जो है राज्य जो है खुद चलाऊं। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर इनको सेटिस्फाई करने के लिए ADC बनाए गए। तो अभी ये रेंगमा नागास भी चाह रहे हैं कि हमें भी दो, ओके, हमें भी एक ऑटोनॉमस काउंसिल दो। पूरी डिटेल में यहाँ पर बताऊंगा आपको कहाँ पर ये एरिया पड़ता है। ओके, तो अभी पहले थोड़ा फैक्ट्स देख लें यहाँ पर रेंगमा नागास के बारे में। ओके, तो यहाँ पर क्या बात की जा रही है, तो कह रहे कि ये पहले ट्राइबल लोग थे असम में। ओके, तो जिन्होंने यहाँ पर ब्रिटिशर्स के खिलाफ यहाँ पर मोर्चा खोला, ये 1839 की बात 39 की बात कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर आगे बात करें, बट द एग्जिस्टिंग रेंगमा हिल्स, तो यहाँ पर इनको एलिमिनेट कर दिया गया, जो अभी एग्जिस्टिंग रेंगमा हिल्स हैं, यहाँ पर पॉलिटिकल मैप था भारत का उसमें से। ओके, तो जो यहाँ पर असम का जो पॉलिटिकल मैप था उसमें से, तो यहाँ पर रिप्लेस कर दिया गया उसको यहाँ पर फॉर मिकिर हिल्स। ओके, तो अभी जो ये मिकिर हिल्स है ना, तो वो ही जो कार्बी एंगलों की जो पहाड़ियां आती हैं, तो उन्हीं को यहाँ पर जो है पहले यहाँ पर मिकिर हिल्स कहा जाता था। तो ये 1951 की बात कर रहे हैं, जब यहाँ पर ये पोलिटिकल मैप में रिप्लेसमेंट कर दी, मतलब जगह वही है लेकिन नाम बदल कर यहाँ पर मिकिर हिल्स कर दिया, और यहाँ पर कार्बी एंगलों की, यहाँ पर ये भी ट्राइबल कम्युनिटी है, ये पाई जाती है। ओके, तो अभी वो कार्बी एंगलोंग उसको हम कहते हैं उस एरिया को, अभी मिकिर हिल्स भी नहीं बोलते। ओके, और अभी आगे बात करेंगे दूसरे नंबर पर, कि ब्रमीस म्यांमार के साइड से यहाँ पर इन्वेजन हुआ था, असम पे अटैक हुआ था, जैसे अभी मिजोरम नागालैंड के साथ बॉर्डर लगता है, अरुणाचल से बॉर्डर लगता है ना, तो पहले पूरा असम ही था। ओके, तो असम पे अटैक किया था यहाँ पर म्यांमार के यहाँ पर लोगों ने 1816 में, क्योंकि वहां पर भी मोनार्की थी, और 1819 में अटैक हुआ था। तो यहाँ पर रेंगमास ही थे यहाँ पर जिन्होंने अहोम रेफ्यूजीज को यहाँ पर सहारा दिया था उस समय। तो ये अहोम रेफ्यूजीज, ये अहोम जो ट्राइबल कम्युनिटी है, ये कहाँ पर पाई जाती है, भारत में कहाँ पर पाई जाती है, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि रेंगमा हिल्स को बाद में पार्टीशन कर दिया गया, 1963 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब नागालैंड बना, ओके, तो यहाँ पर असम और नागालैंड में जब बंटवारा हुआ, तो पार्टीशन हो गया, थोड़ा मतलब थोड़ा हिस्सा असम में चला गया, थोड़ा हिस्सा नागालैंड में चला गया। ओके, जब यहाँ पर नागालैंड स्टेट का जो है बना, इसको बनाया गया, और जो कार्बी जो लोग थे, कार्बी एंगलोंग जिनको बोलते हैं, ये भी ट्राइबल कम्युनिटी है, जो वर नॉन एज मिकिर, तो यहाँ पर 1976 तक यहाँ पर उनको मिकीज के नाम पे जाना जाता था, जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया है। तो यहाँ पर वो जो लोग थे ना, तो यहाँ पर वो इंडिजीनियस ट्राइबल पीपल है बन गए उस समय मिकिर हिल्स के, तो जिनको अभी ये किसी समय रेंगमा हिल्स भी बोलते हैं, मिकिर हिल्स बोलते हैं, तो अभी कार्बी एंगलोंग हिल्स बोलते हैं इसको। ओके, तो यहाँ पर उस समय की ये बात करें, 1976 तक की बात करें, कि उस समय कार्बीज जो थे मिकिर्स उनको कहा जाता था, और यहाँ पर इंडिजिनियस ट्राइबल लोग थे यहाँ पर मिकिर हिल्स के। ओके, और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो रेंगमा हिल और मिकिर हिल है, तो यहाँ पर दो सेपरेट एंटाइटीज थी यहाँ पर 1951 तक, और कार्बीज की यहाँ पर अगर बात करें तो कोई हिस्ट्री नहीं है रेंगमा हिल्स में। ओके, लेकिन फिर भी वहां पर जो है उनको एरिया काफी उसका दे दिया हुआ है वो, तो यहाँ पर ना दावा यही करते हैं कि मतलब एक ही यहाँ पर पहले नाम दे दिया, मिकिर हिल्स का नाम दे दिया, रेंगमा हिल्स को भी उसी के अंदर कवर कर दिया, एरिया बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन इनकी जो है कार्बीज लोगों की इतनी है नहीं है, जितनी मतलब इनको एरिया दे दिया गया यहाँ पर ऑटोनोमस काउंसिल चलाने के लिए।
तो ये इनका जो ना मतलब अपना कह सकते हैं रोष है जो प्रकट कर रहे हैं यहाँ पर सरकार के सामने। तो आगे बात करें कि जो लोग हैं जो अभी प्रेजेंटली यहाँ पर रेंगमा हिल्स में यहाँ पर रह रहे हैं, तो वो कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं? वो असम से बिलोंग करते हैं, अरुणाचल से बिलोंग करते हैं, मेघालय से बिलोंग करते हैं। ध्यान रखिएगा ये जो रेंगमा यहाँ पर हिल्स है ना, जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं तो यहाँ कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। और ये अलग अलग डायलेक्ट, अलग अलग यहाँ पर जो है भाषा बोलते हैं। यहाँ पर डू नॉट नो कार्बी लैंग्वेज और कार्बी एंग्लो। तो यहाँ पर जो ये रंगमा हिल्स के आसपास जो लोग रह रहे हैं ना, तो यहाँ पर उनको कार्बी लैंग्वेज नहीं आती है। ओके, इसके अलावा और कोई यहाँ पर जो डायलेक्ट है वो बोलते हैं। तो इसके अलावा बात करें जो KAAC है, ओके, जैसे मैंने कार्बी एंगलोंग ऑटोनॉमस यहाँ पर काउंसिल की बात की थी शुरुआत में कि न्यूज में, इसी के कारण ये न्यूज में है। तो इनकी जो आबादी है कार्बी एंगलोंग के यहाँ पर लोगों की, 12 लाख के आसपास है। और यहाँ पर ये पूरी काउंसिल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर सिर्फ ये कार्बी एंगलोंग की ट्राइबल कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा मैं। ओके, पूरी काउंसिल का जो दायरा इनको दे दिया है, ओके, कि मतलब कि उसमें बहुत सारी कम्युनिटीज आ जाती हैं। तो यहाँ पर उनकी कार्बीज की जो अपनी यहाँ पर आबादी है वो सिर्फ 3 लाख है उन 12 लाख में से। ओके, तो बाकी के सभी जो है वो नॉन कार्बीज हैं। तो यहाँ पर रेंगमास नागाज भी आते हैं, तो जिनकी पॉपुलेशन जो है 22,000 के आसपास है। पॉपुलेशन इतनी कम है, शायद इसीलिए जो है इनको ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नहीं दिया गया, ये भी एक रीजन रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर 9वें नंबर पर बात करें कि 3,000 से ज्यादा जो रेंगमा नागास थे, तो उनको यहाँ पर फोर्स किया गया कि वो रिलोकेट करें अपने जो रिलीफ कैंप है। 2013 की यह बात है। तो यहाँ पर कुछ लोगों को, रेंगमा नागास के जो कुछ लोग थे उनको मारा गया था। तो यहाँ पर अटैक हुए थे यहाँ पर उनके ऊपर, सीरियस अटैक इनके द्वारा हुए थे। यहाँ पर उन्हीं कार्बिंग यहाँ पर एंगलोंग के यहाँ पर जो ग्रुप के मेंबर थे उन्होंने ही यहाँ पर इनके ऊपर अटैक किया था। तो ये आप जो है फैक्ट्स कह सकते हो, बैकग्राउंड हिस्ट्री पूरी कह सकते हो रेंगमास नागास के बारे में, कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, तो इसके बारे में आपको अभी पता चल गया है। अभी बात करते हैं ऑटोनॉमस काउंसिल के बारे में। तो अभी ऑटोनॉमस काउंसिल की बात करें तो ये किसके द्वारा बताया जाता है? ये हमारा जो संविधान का 6th शेड्यूल है ना, तो ये इसके बारे में बात करता है। तो यहाँ पर ये अलाउ करता है हमें कि आप ऑटोनॉमस एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन आप बना सकते हो। तो आप इसको हम काउंसिल भी बोलते हैं, जिनको आप ऑटोनॉमी दोगे विद इन देयर रेस्पेक्टिव स्टेट्स। जिस भी राज्य में वो आते हैं ऑटोनॉमी दे दो उन किसी पर्टिकुलर एरियाज को, कि अपने हिसाब से उस एरिया को चलाएं। ओके, तो यहाँ पर ज्यादातर जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वो कहाँ पर लोकेटेड है? वो लोकेटेड है हमारा जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वहां पर, लेकिन उनमें से दो ऐसे हैं जो लद्दाख में भी हैं। ओके, और जिसको लद्दाख जो है वो एक इंडियन इंडिया की यूनियन टेरिटरी है, लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें तो यहाँ पर अब यूटी कोई नहीं बची है, अभी सभी राज्यों का दर्जा सभी को मिल चुका है। और यहाँ पर प्रेजेंटली 10 ऑटोनॉमस काउंसिल्स की बात की जा रही है, जो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ओके, तो यहाँ पर पाई जा रही है इन, यहाँ पर इन राज्यों में यहाँ पर जो बनाई गई है 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, ध्यान रखिएगा यहाँ पर 4 राज्य हैं, असम है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, जिसको 6th शेड्यूल के अंतर्गत जो है यहाँ पर जिनको 10 ऑटोनॉमस काउंसिल्स दी गई है। ध्यान रखिएगा तो यहाँ पर सिर्फ 4 राज्यों की भी बात कर रहा हूँ। और अभी जो इनको पावर्स हैं इन ऑटोनॉमस काउंसिल्स वालों को, तो ये पावर्स भी देख लो, क्या क्या लेजिस्लेटिव पावर, क्या क्या एग्जीक्यूटिव पावर है, कानून क्या बना सकते हैं और इसके अलावा एग्जीक्यूट क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात करें सबसे पहले लैंड मैनेजमेंट के बारे में, ये कानून बना सकते हैं। ओके, तो इसके अलावा फॉरेस्ट मैनेजमेंट की बात करें, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, कल्टिवेशन, तो ये सब चीजें तो इनको चाहिए थी। ये आदिवासी लोग हैं तो ये सबसे पहले यही चाह रहे हैं कि फॉरेस्ट को बचाकर चले। ओके, तो लेकिन बाकी का भारत देखो तो वहां पर फॉरेस्ट को काटा जा रहा है और यहाँ पर सड़कों का निर्माण हो रहा है, तो डेवलपमेंट के नाम पर यहाँ पर एनवायरमेंट को खत्म किया जा रहा है, तो ये हो रहा है। लेकिन ये लोग यही चाह रहे हैं आदिवासी लोग, कि मतलब हमें अपना एनवायरमेंट खत्म नहीं करना है। तो इसीलिए जो यहाँ पर की पॉइंट्स हैं कल्चर के रिगार्डिंग, नेचर के रिगार्डिंग, ये अपने हाथों में रखा हुआ है इन्होंने उसका कंट्रोल। जैसे वाटर रिसोर्सेज की बात करें, इसके अलावा एग्रीकल्चर एंड कल्टिवेशन की बात करें, फॉर्मेशन ऑफ विलेज काउंसिल, तो इसके अंतर्गत विलेज काउंसिल्स भी बनाई जा सकती हैं। तो ये खुद बनाएंगे, ओके, ये जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के यहाँ पर जो मेंबर है ये बनाएंगे। पब्लिक हेल्थ के रिगार्डिंग बात करें तो खुद ही पॉलिसी बनाते हैं, सैनिटेशन कैसे करना है, विलेज एंड टाउन लेवल पॉलिसिंग हो गया, अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रेडिशनल चीफ एंड हेडमैन, हेडमैन जो यहाँ पर गांव का मुखिया होता है। इसके अलावा इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब जो जायदाद का आगे जो मिलती है किसको फॉरवर्ड होती है, उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर जो कानून बनाते तो यही बनाते हैं। सोशल कस्टम्स यहाँ पर जो हो जाए, रीति रिवाज जो होते हैं, मनी लैंडिंग एंड ट्रेडिंग, माइनिंग एंड मिनरल्स, ओके, तो यहाँ अगर माइनिंग भी करनी है, मिनरल्स भी निकालें, उसके रिगार्डिंग भी इन्हीं से परमिशन लेनी पड़ेगी। ओके, तो मतलब की पॉइंट्स जो इनके एरियाज को चलाएंगे तो ये इन्होंने अपने पास ही रखे हैं, तो यहाँ पर इंटरवीन नहीं कर किया जा सकता। ओके, ध्यान रखें जुडिशियल पावर्स इनके पास है। तो यहाँ पर बात करें ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स है पावर्स टू फॉर्म कोर्ट्स, कचहरी यहाँ पर बना सकते हैं टू हियर केसेस।
तो यहाँ पर केसेस की सुनवाई करने के लिए वेयर बोथ पार्टीज आर मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, ये तभी यहाँ पर सुनवाई होगी इन कोर्ट्स में जब यहाँ पर दोनों मेंबर, दोनों तरफ के जो यहाँ पर पक्ष के मेंबर्स हैं पार्टी से शेड्यूल ट्राइब्स कमेटी से ही बिलोंग करती हैं, और जो मैक्सिमम सेंटेंस यहाँ पर जो दे सकते हैं तो यहाँ पर वो 5 साल से कम की सजा ही ये दे सकते हैं। तो इतनी पावर इनको, जुडिशियल पावर जो है दी हुई है, ध्यान रखें इसका। और टैक्सेशन और रेवेन्यू की बात करें तो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, तो इनके पास पावर है कि टैक्सेस लगाएंगे अलग अलग तरीके से, और इसके अलावा फीस और टॉल भी लगा सकते हैं। अगर बिल्डिंग कोई बन रही है उसके ऊपर, कोई यहाँ पर जमीन है उसके ऊपर, एनिमल्स मतलब जो एनिमल्स की वो भी मतलब ना ट्रेड करते हैं एक जगह से लेकर दूसरी जगह बेचते हैं, तो उसके ऊपर भी ये जो है टैक्स लगाते हैं। व्हीकल्स हो गया, बोट्स हो गया, एंट्री ऑफ गुड्स इनटू एरिया, कोई भी सामान अगर इनके एरिया में जाता तो वहां पर भी ये जो है उसके ऊपर ड्यूटी लगाते हैं। सड़कें हो गई, फेरीज हो गई, ब्रिजेस, एम्प्लॉयमेंट, तो ये सब चीजों के ऊपर यहाँ पर टैक्सेस और रेवेन्यू इनका रहता है, एंड इनकम एंड जनरल टैक्सेस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल्स एंड रोड्स। ओके, तो ये सब मतलब अपना जो आसपास का एरिया को चलाने के लिए इस तरीके से टैक्सेस से पैसा इकट्ठा करते हैं। ये देखो, ये लद्दाख की दो यहाँ पर ऑटोनॉमस काउंसिल्स हैं। ओके ओके, तो ये भी देखिए, जो मैंने 10 ऑटोनॉमस काउंसिल्स की बात की ना, तो वो 4 राज्यों की मैंने बात की थी, यानी मैंने बार बार मैंने रिपीट किया था 4 राज्य। ओके, तो यहाँ पर जो कुल ऑटोनॉमस काउंसिल्स हैं, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट जो काउंसिल्स हैं, उनकी गिनती आपको ज्यादा नजर आएगी। ओके, लेकिन वो 4 राज्यों में 10 ही हैं। ओके, तो ये अभी ये दो लद्दाख वाले इस यहाँ पर मिला लूँ, उसके बाद ये पूरी की पूरी मैं आपको इसका जो है बड़ा मैप दिखाता हूँ। तो ये देखिए, कुछ तो यहाँ पर है ना ऑटोनॉमस काउंसिल्स, तो यहाँ पर एक नीचे भी है, देखो जो हमारा अंडेमान निकोबार वाली जो साइट है ना, तो यहाँ पर भी है सेंट्रल करके, नॉर्थ सेंट्रल करके, तो यहाँ पर सेंटलीज यहाँ पर नाम की कम्युनिटी, ट्राइबल कम्युनिटी पाई जाती है। तो ये देखो, ये जो पूरा एरिया जो मैंने आपको ऊपर दिखा रहा था, ईस्टर्न स्टेट्स का, नॉर्थ स्टेट्स का, तो ये पूरा जो है उसका जूम व्यू है। तो ये देखो, ये गोरखालैंड आ गया, तो गोरखालैंड यहाँ पर कहाँ से निकल रहा है, वेस्ट बंगाल से, ये वेस्ट बंगाल का एरिया आ गया। ये जो मैंने 10 ऑटोनॉमस काउंसिल्स की बात की थी 4 राज्यों में, तो उसके अंतर्गत नहीं है, बाहर है। ओके, तो ज्यादा है नंबर ओवरऑल अगर मैं बात करूँ। गोरखालैंड क्यों बनाया गया ऑटोनॉमस काउंसिल, क्योंकि ये भी डिमांड कर रहे थे कि हमें गोरखालैंड दो अलग से, तो ये कह रहे हैं कि हमारा बॉर्डर नेपाल के साथ लगता है, और ये कुछ यहाँ पर हिस्सा हमें बंगाल का दे, कुछ असम का दे, मिलाकर जो है गोरखालैंड बनाए। ये बोडोलैंड, यहाँ पर बोडो कम्युनिटी पाई जाती है, तो ये बोडोलैंड की डिमांड कर रहे हैं, तो ये अपर असम पोर्शन को अक्वायर करके बैठे हो। तो ये जो रेड कलर में, ब्राउन कलर में आप देख रहे हैं, तो ये अभी सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन है। ओके, ऑटोनॉमस काउंसिल्स ये बनी हुई है इनकी। और इसके अलावा मेघालय में यहाँ पर देखो, गारो हिल्स हैं, खासी हिल्स हैं, जैंतिया हिल्स है, तो यहाँ पर इनकी भी अलग अलग यहाँ पर ऑटोनॉमस काउंसिल्स हैं। यहाँ पर दीमा हासाओ, तो ये भी ऑटोनॉमस काउंसिल, कार्बी एंगलोंग जिसकी हम बात कर रहे थे अभी। ओके, तो ये देखो, ये भी असम का यहाँ पर वो वाला एरिया है जो नागालैंड के साथ बॉर्डर टच करता है इनका, ये नागालैंड है और ये मिजोरम है। ओके, तो ये कार्बी एंगलोंग वाला एरिया आ गया जिसके बारे में रेंगमा नागास बात कर रहे हैं। तो नागास इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये नागा कम्युनिटी के मतलब साथ ही इनका जो है इंटरलिंक यहाँ पर पाया जा रहा है। और आगे यहाँ पर सदर हिल्स की बात करें, ओके, तो ये यहाँ पर मिजोरम में पड़ रहा है। और आगे बात करें, ये देखो, ये त्रिपुरा में है, तो यहाँ पर त्रिपुरा में भी है। ओके, और इसके अलावा ये चकमा एडीसी है, चकमा ट्राइबल कम्युनिटी यहाँ पर पाई जाती है इस एरिया में, और ये इसको भी कहा जाता है कि चकमा लोग जो है ना, तो ये यहाँ पर चकमा ट्राइबल, ये बांग्लादेश का चटगांव वाला एरिया है, ये सफेद वाला, यहीं से भागकर यहाँ पर आए हैं। ओके, तो ये कौन सा राज्य है, ये कौन सा राज्य है, कमेंट बॉक्स में आंसर करें। ओके, तो चकमा है, लाए है और मारा एडीसी है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर थोड़ी सी गलती लगी है, ये नागालैंड है, ये मिजोरम नहीं है, ये मणिपुर है, इसके नीचे ये मिजोरम है। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें इधर। और ये जो छोटा सा यहाँ पर पॉइंट देख रहे हो, ये अरुणाचल प्रदेश का पूरा एरिया, ये भी अरुणाचल प्रदेश है। ओके, आगे बढ़ते हैं। और आगे अभी बात करेंगे हम साहिल रीजन के बारे में, तो ये न्यूज में है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अभी यहाँ पर बात करें कि न्यूज में इसलिए कि अभी एक बड़े पैमाने पर लोगों को मारा गया है, मैसेकर हुआ, तो यहाँ पर 160 के आसपास के लोगों को मार दिया गया है बुर्किना फासो में। ओके, तो यहाँ पर बुर्किना फासो एक देश है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, तो वहां पर एक बॉर्डर विलेज है जो साहेल रीजन के साथ जिसका बॉर्डर लगता है, तो वहां पर जो है लोगों की हत्या हुई है। तो अभी सिक्योरिटी सिचुएशन की बात कर रहे हैं इसी साहेल रीजन में। ओके, तो यहाँ पर शुरुआत में बात करें, तो यहाँ पर आप ये भी कह सकते हो साहेल रीजन में मतलब क्या सिक्योरिटी सिचुएशन है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि बुर्किना फासो ही आपको लेकर चले आप। ओके, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि
पहला मेजर जो यहाँ पर इस्लामिक टेररिस्ट अटैक यहाँ पर हुआ था वो 2015 में होता बुर्किना फासो में। और यहाँ पर सिक्योरिटी सिचुएशन की अगर बात करें तो लगातार बिगड़ती जा रही है, खास तौर पे जो नाइजर और माली के जो बॉर्डर है ना उस एरिया में यहाँ पर सिक्योरिटी सिचुएशन ज़्यादा खराब होती जा रही है। और इसके अलावा बात करें, दिस हैज़ बीन द केस विद मच ऑफ साहेल रीजन 5900 किलोमीटर लॉन्ग सेमी एरिड टेरेटरी। तो यहाँ पर ये तकरीबन 6000 किलोमीटर लंबी यहाँ पर ये टेरेटरी है। तो यहाँ पर सहारा डेजर्ट जो है ना इसके साथ लगता है, तो सहारा डेजर्ट रेगिस्तान है। तो यहाँ पर ये जो देश है जहाँ पर ये अटैक हो रहे, तो मतलब ये बॉर्डर लगता है यहाँ पर सहारा रेगिस्तान के साथ। यहाँ पर जो कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स ना, तो उनकी एक्सपेंशन पाई जा रही है, उनके नेटवर्क जो है बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पर इसी सहारा डेजर्ट के आसपास में। तो यहाँ पर अटैक्स जो है सिविलियंस के ऊपर, सोल्जर्स के ऊपर लगातार बढ़ते जा रहे हैं इन यहाँ पर टेररिस्ट ग्रुप्स के द्वारा। और बुर्किना फासो की यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर जिहादीज के द्वारा, नाइजर की अगर बात करें, नाइजर भी एक देश है, तो यहाँ पर 137 हजार लोगों को जिहादियों के द्वारा मार दिया गया है, ये मार्च महीने की बात कर रहे हैं। और नाइजीरिया की बात करें, नाइजर अलग है और नाइजीरिया अलग है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर भी उस यहाँ पर टेरिटरीज हैं जो मतलब इस्लामिस्ट जो यहाँ पर जिहादीज उनके कंट्रोल में है, तो यहाँ पर लगातार वो अटैक करते रह रहे हैं। तो यहाँ पर माली की बात करें, माली भी एक देश है, तो यहाँ पर भी 2013 से जो है वो जो है लड़ाई कर रहा है इस यहाँ पर जो ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स है उनके खिलाफ। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं द सिक्योरिटी सिचुएशन इन साले रीजन। तो आगे बढ़ते हैं, तो इसको थोड़ा सही कर ले, साहेल रीजन है नाम इसका। और कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम आपको पता होना चाहिए, ये पूछा जा सकता है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस में। ये चार ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ पर इस रीजन में, तो यहाँ पर साहेल नाम के रीजन में जो यहाँ पर पनप रहे हैं, सबसे पहले हैं ISGS, तो वो है इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस। इसके अलावा है जमात नसर अल इस्लाम बल मुस्लिमीन, और तीसरा है अलकायदा, लोकल अलकायदा ब्रांच इन माली, और चौथा है बोकोहर। ओके, तो चारों यहाँ पर इंपॉर्टेंट नाम याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि ये टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं कहाँ से, कौन से देशों में बिलोंग करते हैं, तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बिलोंग करते हैं। और जो मैंने देशों का भी नाम बोले हैं, माली, नाइजर हो गया, नाइजीरिया हो गया, बुर्किना फासो हो गया, तो यहाँ पर अच्छी खासी इनकी पकड़ है इस एरिया में, इन एरियाज में। अगर इंटरनेशनल सपोर्ट की बात करें, तो फ्रांस ने यहाँ पर इस एरिया में अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय किया था। यहाँ पर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस भी फ्रांस के द्वारा चलाए गए। ओके, यहाँ पर जिहादियों को खत्म करने के लिए यहाँ पर US ने भी मदद की इस एरिया में। तो यहाँ पर एक ड्रोन बेस भी है US का, नाइजर की अगर बात करें उस वहां पर। और इसके अलावा क्या है कि US में देखो अभी सरकार बदल गई, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी तो अभी बदल के जो बाइडन की सरकार आ चुकी है। तो फ्रांस में भी इस तरीके से जो है रजीम जो है वो बदलती रहती है, तो उस जिसके चलते जो पॉलिसी होती है, इंटरनेशनल पॉलिसी जो ना, फॉरेन पॉलिसी, वो भी देशों की बदल जाती है। तो यही इसी के ऊपर ब्लेम लगाया जाता है, फॉरेन पॉलिसी जो बदल जाती है, जिसके चलते जो साहेल कंट्रीज है मतलब वो जिस सिचुएशन में आज पहुंच गई है ना, तो इसी रीजन के कारण पहुंची है कि मतलब एक ही जैसी, एक ही बंदे की सरकार इन देशों में नहीं चल रही जो यहाँ पर मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। आगे बात कर रहे हैं, अभी जिहादिस्ट की यहाँ पर जो राइस हुआ साहेल रीजन में, तो कैसे हुआ? तो यहाँ पर नाटो की बात करें, नॉन अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो कब बनाई गई थी, कौन कौन से मेंबर जो है, कंट्रीज जो इसके मेंबर हैं, इसका भी आंसर करें कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर नेटो ने यहाँ पर इन्वेड किया था गद्दाफी लीबिया के ऊपर, गद्दाफी जो थे यहाँ पर मोमर गद्दाफी, लीबिया के ऊपर 40 साल लगातार रूल किया था मोमर गद्दाफी ने। तो यहाँ पर 2011 तक ये पावर में रहा था, बाद में इन्हीं की सेना ने, और यहाँ पर नेटो की भी मदद थी यहाँ पर, तो अपने ही यहाँ पर जो शासक थे मोमर गद्दाफी उनको मार दिया गया। तो मतलब काफी जगह ये छिपा भी था, और बाद में आखिर जो वीडियो इसकी आई थी, लास्ट वीडियो, उसमें क्या किया गया कि इसको एक कार के आगे जो बोनट होता है उसके उसमें बांध कर आगे मतलब पूरी नुमाइश लगाई गई कि 40 साल तक तुमने राज किया है लीबिया के ऊपर, अपनी मनमानी की है। तो मतलब बड़ी बेरहमी से उसको मारा गया। तो वो लास्ट टाइम भी करता कहता रहा कि मुझे नहीं मारो। ओके, तो अभी तब से ये मतलब ना जिहादी जो थे उन्होंने अपना जो सिर उठाना शुरू कर दिया उसी इंसिडेंस, उसी समय से मतलब जो स्टेबल यहाँ पर स्टेबिलिटी थी इस रीजन में ना, मतलब वो खत्म होनी शुरू होगी धीरे धीरे करके। आतंकवादी जिहादी जो थे उन्होंने यहाँ पर पैंठ बनानी शुरू कर दी। और लीबिया की बात करें, तो यहाँ पर हैविंग फॉलन टू अनार्की एंड सिविल वॉर बिकेम अ जिहादिस्ट ब्रीडिंग ग्राउंड। तो यहाँ पर शुरुआत 2011 से यहीं पर हुई लीबिया में से। यहाँ पर सरकार तो कोई थी नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो शासक था तानाशाह था उसको तो मार दिया गया। फिर आपस में सिविल वॉर होनी शुरू हो गई, कौन रूल करेगा, जिसके चलते मतलब ये जिहादिस्ट जो थे ये पनपने शुरू हो गए लीबिया में। और अभी जो मुश्किलें हैं वो माली तक फैल चुकी हैं। तो लीबिया भी जो है वो अफ्रीकन यहाँ पर कंट्री है,
तो उसके आसपास की जो बाकी माली आ गया यहाँ पर, वो भी जो है अफ्रीकन कंट्री है। तो यहाँ पर फ्रांस ने अपना एक मिलिट्री इंटरवेंशन किया था 2013 में, तो यहाँ पर इस इंसर्जेंसी को डिफीट नहीं कर पाया फ्रांस। ओके, तो यहाँ पर आगे बात करें, विच स्प्रेड बियॉन्ड मालीज बॉर्डर, तो माली मालीज के भी आगे जो बॉर्डर्स बाकी देशों के वहां तक ये लोग यहाँ पर जो टेररिस्ट वो पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर जो डेजर्ट वाला एरिया है साहेल रीजन में, तो उसको तो मतलब एक तरीके से उनके लिए स्वर्ग है जिहादियों के लिए। और आगे यहाँ पर बात करें जो IS मिलिटेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया गया था जब सीरिया में, तो सीरिया में ही पनपा था IS। ओके, और इराक में जब यहाँ पर पनपा था तो इसको यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया था। तो यहाँ पर उस समय ज्यादातर जो यहाँ पर इस्लामिक स्टेट के जो सोल्जर्स थे ना, तो यहाँ पर वो अफ्रीका की ओर चले गए थे। ओके, तो यहाँ पर वहीं पर जाकर दोबारा से इन्होंने रीग्रुपिंग की अपनी, तो इसी के चलते ना यहाँ पर जिहादियों की यहाँ पर राइस देखने को मिला साहेल रीजन में। आई होप आपको बातें सभी जो है समझ आ रही हैं, पकड़ में आ रही हैं। और अभी साहेल रीजन की बात करें तो ये एक तरीके का इको क्लाइमेटिक बायोजोग्राफिक यहाँ पर रियल में ट्रांजिशन इन अफ्रीका। ओके, बिटवीन द सहारा टू द नॉर्थ एंड सुदानियन सावरा टू द साउथ, यहाँ पर सुदान नाम का एक देश पड़ता है, तो उसी के आसपास के जो एरियाज को यहाँ पर सुदानियन करके कहा जा रहा है। यहाँ पर साउथ में वो और नॉर्थ में जो यहाँ पर सहारा का डेजर्ट है, तो यहाँ पर इसी दो एरियाज के बीच में जो एरिया कवर है, यहाँ पर सेमी एरिड यहाँ पर क्लाइमेट है। यहाँ पर साउथ एंड सेंट्रल लैटिट्यूड से अगर बात करें तो यहाँ पर नॉर्थ अफ्रीका बिटवीन द अटलांटिक ओशन एंड द रेड सी, तो ये इसके यहाँ पर लैटिट्यूड्स हैं। और यहाँ पर साहेल पार्ट ऑफ अफ्रीका की बात करें तो इसमें वेस्ट से लेकर ईस्ट पार्ट जो है यहाँ पर आता है ऑफ नॉर्दर्न सेनेगल, तो ये अलग अलग यहाँ पर देश है जिनका नाम लिया जा रहा है। साउथर्न मेडिटेरेनियन, यहाँ पर सेंट्रल माली, नॉर्दर्न बुर्किना फासो, द एक्सट्रीम साउथ ऑफ अल्जीरिया, नाइजर, एक्सट्रीम नॉर्थ ऑफ नाइजीरिया एंड एक्सट्रीम नॉर्थ ऑफ कैमरून, कैमरून भी देश है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सेंट्रल चार, ये सभी देशों के नाम है, सेंट्रल एंड साउथर्न सूडान एंड एक्सट्रीम नॉर्थ ऑफ एंड नॉर्थ ऑफ साउथ सूडान, अरिटीरिया एंड एक्सट्रीम नॉर्थ ऑफ एथोपिया, तो ये सभी अलग अलग देश हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जहां तक ये साहेल रीजन जो है फैला हुआ। तो ये सभी देशों के नाम आपको पता होने चाहिए, ऐसा नहीं कि याद रखना है, सिर्फ मतलब माइंड में एक बार रिव्यू करना है। तो क्वेश्चन कहीं से पूछा जा सकता है, तो ये देखो ये सारा का सारा सहारा डेजर्ट है, तो ये यहाँ पर इजिप्ट है, उसके साथ ही यहाँ पर लीबिया है। ओके, और अभी देखो ये डेजर्ट के नीचे यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर हरियाली शुरू हो जाती है, और इसके थोड़ा ऊपर डेजर्ट के थोड़ा नीचे, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर अटलांटिक ओशन, तो यहाँ से शुरू होता है ये पूरा का पूरा साहेल वाला रीजन है। ओके, तो यहाँ पर एरिटेरिया, इथियोपिया, ये सभी आते हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा दूसरा मैप भी देख लो, ये देख लो। ओके, ये पूरे देशों के नाम है यहाँ पर, तो ये जैसे ये साहेल यहाँ पर पूरा रीजन चल रहा है। ओके, तो यहाँ पर सेनेगल भी है, सेनेगल भी एक देश है। ओके, मोरिटेनिया भी है, उसके अलावा माली है, बुर्किना फासो का भी एरिया यहाँ पर नॉर्थन हिस्सा में टच होता है, नाइजीरिया जैसे मैंने बात की, नाइगर की बात की, शाद की बात की, तो ये वाला एरिया यहाँ पर साहेल रीजन है, सूडान की बात की, अल्जीरिया की बात की, ये इथियोपिया, इथियोपिया का भी कुछ रीजन यहाँ पर इसके साथ टच होता है। तो ये ऊपर वाला सारा एरिया डेजर्ट एरिया है, जहाँ पर सहारा डेजर्ट ब्लू कलर में लिखा हुआ, तो ब्लू कलर में ये सभी डेजर्ट वाला एरिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या बात हो रही है, आगे बात हो रही है यूएन जनरल असेंबली के बारे में। तो ये न्यूज़ में इसलिए कि अभी मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर हैं जिनका नाम है अब्दुल्ला शाहिद। ओके, तो इनको अभी इलेक्ट कर लिया गया है प्रेसिडेंट ऑफ द 76th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली फॉर 21-22। नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से। ओके, जो 76th जो यूएन की जनरल असेंबली चल रही 2021-22 की, तो उसके लिए इनको प्रेसिडेंट चुना गया है। तो यहाँ पर मेजोरिटी वोट्स इन्हीं वोट्स जो है इन्हीं के हक में गई है, तो यहाँ पर कुल यहाँ पर 191 मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, उनमें से 143 मेंबर कंट्रीज ने मालदीव्स के हक में वोट किया है। तो यहाँ पर जो दूसरे कैंडिडेट थे वो अफगानिस्तान के थे, तो इंडिया ने यहाँ पर मालदीव्स के हक में वोट किया। हालांकि इंडिया के दोनों के यहाँ दोनों देश जो वो फ्रेंडली कंट्रीज हैं। और यहाँ पर अगर यूएन जनरल असेंबली की बात करें तो यहाँ पर वन ऑफ द सिक्स प्रिंसिपल ऑर्गन है यहाँ पर यूएन यूनाइटेड नेशन की अगर बात करें तो, यहाँ पर मेन डेलिबरेटरी पॉलिसी मेकिंग और रिप्रेजेंटेटिव है ऑर्गन है यूएन का। इसकी जो पावर है, कॉम्पोजिशन है, और जो फंक्शन है और प्रोसीजर जो है उसके, ये यहाँ पर एक चार्टर की बात करें, चैप्टर की बात करें, सॉरी, चैप्टर नंबर 4 ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर। ओके, तो उसके अंतर्गत ये सभी फंक्शंस यहाँ पर बताए हुए हैं यूनाइटेड नेशन अगर चार्टर की बात करें, ध्यान रखिएगा चैप्टर नंबर 4। और यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है रिस्पॉन्सिबल है यूनाइटेड नेशन के बजट के रिगार्डिंग, और इसके अलावा जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट करने के लिए। तो परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर 5 परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के। ओके, तो यहाँ पर वो जो P5 मेंबर्स हैं वो कौन से हैं, उसको आंसर करें कमेंट बॉक्स में।
इसके यहाँ पर जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, ध्यान रखिएगा यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल, सॉरी जनरल असेंबली नहीं, सिक्योरिटी काउंसिल जो होती है वहां पर होते हैं परमानेंट 5 मेंबर। तो इसके अलावा नॉन परमानेंट मेंबर्स भी होते हैं, तो उनको भी, उनकी भी अपॉइंटमेंट की जाती है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं यूनाइटेड नेशन के, तो उनकी भी जो है अपॉइंटमेंट की जाती है। तो ये सभी चीजें यहाँ पर जो है देखी जाती हैं, किसके द्वारा, ये देखी जाती हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, ओके, चैप्टर नंबर 4 यूनाइटेड नेशन चार्टर के द्वारा। और यहाँ पर इसके अलावा बात करें कि ये सब्सिडरी ऑर्गन जो होते हैं, ओके, तो उनको भी एस्टेब्लिश करती है टू एडवांस और असिस्ट इन इट्स बोर्ड मैंडेट। इसके अलावा बात करें UNGA इज ऑनली UN ऑर्गन वेर इन ऑल मेंबर स्टेट्स हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो ये बात ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जितने भी 191 मेंबर हैं, तो उनकी यहाँ पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है, इक्वल वोटिंग राइट्स यहाँ पर दिए जाते हैं। लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल में थोड़ी बात अलग हो जाती है, तो परमानेंट 5 है तो उन्हीं की दादागिरी चलती है जिनके पास वीटो पावर्स हैं। भारत के पास वीटो पावर नहीं है। ओके, तो भारत बहुत बार कहता है कि मुझे परमानेंट बनाओ, परमानेंट मेंबर बनाओ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, लेकिन नहीं बनाया जाता। फ्रांस सपोर्ट के लिए आगे आ रहा है क्योंकि फ्रांस यहाँ पर परमानेंट मेंबर है, रशिया परमानेंट मेंबर है, UK परमानेंट मेंबर है, US परमानेंट मेंबर है और चाइना परमानेंट मेंबर है। कई बार क्रिटिसिज्म भी होता है कि यहाँ पर यूरोप से दो जो है परमानेंट मेंबर्स ले लिए गए, एक UK एक फ्रांस है, और बाकी अलग अलग कॉन्टिनेंट्स की और देखो तो एक ही देश निकल कर आ रहा है। यहाँ पर अगर एशिया की बात कर ले तो यहाँ पर रशिया भी है, चाइना भी है, ओके, और इसके अलावा जो बाकी देश देखोगे तो वहां पर P5 मेंबर्स के तौर पर या और परमानेंट मेंबर्स के तौर पर किसी को नहीं लिया जा रहा है। और यहाँ पर प्रेसिडेंट और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल जो मीटिंग होती है, एनुअल सेशन होते हैं, तो यहीं पर होते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वो न्यूयॉर्क में है। आगे बढ़ते हैं, तो ये इसके प्रिंसिपल ऑर्गन है UN के, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटरियट, ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो ये नाम याद रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बस इसका। और अभी हम बात करेंगे रामेश्वरम धानु खोडी रेल लिंक। ओके, तो ये न्यूज में आया है। तो न्यूज में इसलिए आया है कि अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 2 साल पहले यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन रखा था। ओके, यहाँ पर ये वाले रेल लिंक के बारे में, रामेश्वरम धनुषकोडी रेलवे लाइन, तो यहाँ पर ये 17.2 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है रेलवे लाइन का, जिसको कि बनाना है। ओके, मतलब एक तरीके से यहाँ पर बात करें कोस्टल लाइन के आसपास ये एरिया पड़ता है। यहाँ पर जो एस्टिमेशन कॉस्ट है उसके रिगार्डिंग जो यहाँ पर पैसा सैंक्शन हो रहा है ना, उसी की वेट यहाँ पर की जा रही है। लेकिन यहाँ पर बात करेगी, जब से ये मतलब फाउंडेशन स्टोन रखा था उससे लेकर अब तक यहाँ पर जो कॉस्ट है ना, वो यहाँ पर 3 गुना से भी ज्यादा हो चुकी, खर्चा अभी और ज्यादा हो जाएगा क्योंकि अभी काम ही शुरू नहीं किया जा रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर अभी सिर्फ जो है सर्वे, यहाँ पर सर्वे का काम जो है अभी कंप्लीट हुआ है इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाला लिंक ध्यान रखें। इसके अगर बैकग्राउंड की बात करें क्यों बना रहे हैं इसको, तो यहाँ पर जो इस रामेश्वरम धनुषकोडी रेलवे लाइन की बात करें और इसकी एस्टेब्लिशमेंट्स की बात करें, यहाँ पर जो स्टेशन भी था, रेलवे स्टेशन भी था, तो ये मतलब धुल गया था। कैसे, मतलब ये 1964 की बात करें कि बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर तूफान आया था उस समय, जिसके चलते सब कुछ धुल गया, तबाह हो गया था, रेलवे स्टेशन भी, और वहां पर एक ट्रेन भी खड़ी थी। ओके, अलॉन्ग विद द ट्रेन, क्योंकि ट्रेन भी वहां पर थी, वो ट्रेन भी तबाह हो गई, पटरियां वगैरह भी तबाह हो गई, तो ये नुकसान हुआ काफी यहाँ पर। और यहाँ पर काफी बड़ा ये खतरनाक यहाँ पर स्टॉर्म था, काफी बड़ी रफ्तार थी इसकी। तो यहाँ पर धनुषकोडी टाउन, यहाँ पर वहां पर पानी आ गया धनुषकोडी पूरे यहाँ पर टाउन में, बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हुई। और तभी से यहाँ पर उसी दिसंबर 24, यहाँ पर उसी, यहाँ पर ईयर से बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो सर्विसेज जो दी जाती थी, जैसे और भी सर्विसेज यहाँ पर थी, जैसे बोट मेल के द्वारा, जिसको कि यहाँ पर इंडो सिलोन एक्सप्रेस बोलते हैं, तो यहाँ पर यहाँ से बोट चलती थी श्रीलंका की ओर, तो वो भी तभी की बात करें कि विच प्रोवाइडेड ए बोट लिंक टू द थलेमेनाट इन श्रीलंका ऑल्सो केम इन टू हॉल्ट। तब से इसको भी बंद किया हुआ है। ओके, तो अभी देखो मेल, मतलब मेल बोट मेल, मतलब कि जैसे ज्यादातर देखो जो हमारे रेलवे स्टेशन होते थे वहां पर मेल पहुंचती है, खत पहुंचते हैं, तो यहाँ पर एक अलग से बोगी लगी होती है, तो वो अभी स्टेशन ही खत्म हो गया है, तो स्टेशन ही नहीं है, तो यहाँ पर कौन सी बोट जो है आगे मेल जो है पहुंचानी जाएगी श्रीलंका में। तो अभी ये बात कर रहे हैं, तो अभी डिजास्टर प्रूफ कैसे बनाए श्रीलंका को, तो यहाँ पर एक्सपर्ट्स हैं IIT, तो वहां पर बात कर रहे हैं IIT मद्रास की, यहाँ पर बात करें ओशियन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के यहाँ पर जो कुछ एक्सपर्ट है, तो उन्होंने यहाँ पर फील्ड स्टडी की है इस एरिया की। तो मतलब कैसे फर्दर जब हम निर्माण करें तो किस चीज का ध्यान ध्यान रखें, तो यहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स उन्होंने देखे हैं। तो प्रोडक्टिव मेजरमेंट यहाँ पर अपनाने की यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर रिकमेंडेशन जो उनके द्वारा की गई है वो है कि
यहाँ पर थोड़ी सी ऊंचाई के ऊपर यहाँ पर जो है आपको पटरी बनानी होगी, स्टेशन बनाना होगा। यहाँ पर अबाउट 6-7 मीटर ऊपर यहाँ पर बनाना होगा जाकर। तो कहने का मतलब कि जैसे एक पुल होता है ना, ब्रिज होता है, तो वैसे ही जो है पटरी बनानी होगी। मतलब अगर पानी बाढ़ का आता भी है ना, क्योंकि कोस्टल लाइन के आसपास का ये एरिया है, तो यहाँ पर वो पानी नीचे से गुजर जाए, पानी जो है पटरियों को नुकसान ना दे। ओके, तो इस तरीके से मतलब एक तरीके ब्रिज की तरह यहाँ पर बनाना होगा, लेकिन नीचे से पानी गुजरना चाहिए। तो यहाँ पर इस तरीके से फ्लडिंग से बचा सकते हैं रेलवे लाइन को। और जब भी यहाँ पर जैसे 1964 में यहाँ पर ये तूफान आया था, तब यहाँ पर उस समय जो यहाँ पर ऊंचाई रखी गई थी वो सिर्फ 1 मीटर थी रोड लेवल से, जिसके चलते मतलब नुकसान हो गया और तोड़फोड़ हो गई थोड़ी। ये देखो ये रेलवे स्टेशन है, तो ये देखो क्या हालत है इस रेलवे स्टेशन की। तो इसकी थोड़ा सा ज्योग्राफी का लोकेशन देख लेते हैं। तो इसकी ज्योग्राफी का लोकेशन थोड़ा खुद से सर्च करना, तो यहाँ पर अभी नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। ओके, तो अलग से मैं दोबारा से इसका उसको बता दूंगा। ओके, वैसे खुद भी जो है सर्च करना, देखना कि कहाँ पर ज्योग्राफिकल लोकेशन है। तो रामेश्वरम के पास, रामेश्वरम यहाँ पर तमिलनाडु का एक कोस्टल एरिया आता है, वहीं पर ये पड़ता है। ओके, और अभी बात करते हैं मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर ये न्यूज़ में इसलिए कि हमारी जो यूनियन कैबिनेट है उसने अभी अप्रूव कर दिया है, अलॉटमेंट होगी अभी 5 MHz स्पेक्ट्रम की इन द प्रीमियम 700 MHz बैंड। ओके, तो इस बैंडविड्थ के ऊपर जो है इतनी मेगाहर्ट्ज की जो स्पेक्ट्रम है उसकी अलॉटमेंट की जाएगी टू द रेलवेज फॉर कैप्टिव यूज इन द एरियाज ऑफ पब्लिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सर्विसेज। तो यहाँ पर पब्लिक सेफ्टी के ऊपर ध्यान रखा जाएगा इस यहाँ पर 5G स्पेक्ट्रम को यूज करते हुए। भारतीय रेलवे को और यहाँ पर मजबूत करने की बात की जा रही है इस यहाँ पर मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन नेटवर्क के तहत। और अभी बात करते हैं इस रेडियो कम्युनिकेशन के बारे में। तो ये एक नया यहाँ पर कमीशन, यहाँ पर सिस्टम है, एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है, जिसको कि यहाँ पर ऑनगोइंग जो ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम जो अभी चल रहा है ना, उसके साथ यहाँ पर इंटीग्रेट करके यहाँ पर आगे काम किया जाएगा। तो यहाँ पर जो कंट्रोलर्स हैं, तो वो कम्युनिकेट कर सकते हैं ड्राइवर के साथ, जो सिस्टम को कंट्रोल करके चल रहे हैं ना, वो कम्युनिकेट कर सकते हैं जो यहाँ पर ट्रेन के ड्राइवर, जो ट्रेन के यहाँ पर जो गार्ड है। ओके, तो यहाँ पर किस किस तरीके से यहाँ पर कम्युनिकेट कर सकते हैं, यहाँ पर जो ट्रेन का नंबर होगा उसको यूज करके, और यहाँ पर जो कैब नंबर कोड होगा तो यहाँ पर उसको यूज करके कम्युनिकेशन हो सकती है, बातचीत हो सकती है। तो यहाँ पर बात करेगी अगर कोई इमरजेंसी का केस आता है, तो यहाँ पर ब्रॉडकास्ट कॉल भी यहाँ पर हो सकती है MTRC के तहत। ओके, मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन के तहत ब्रॉडकास्ट कॉल भी यहाँ पर की जा सकती है। और आगे यहाँ पर बात करें जो सेक्शन कंट्रोलर है, तो यहाँ पर एक ब्रॉडकास्ट कॉल को वो खुद भी इनिशिएट कर सकते हैं। ओके, टू ऑल मोटरमैन गार्ड्स ऑफ द ट्रेन्स। ओके, तो जितने भी ट्रेन के मोटरमैन है, गार्ड्स, उन सबको यहाँ पर एक कॉल जो है इनिशिएट कर सकती है, बातचीत हो सकती है। और यहाँ पर ऐसी ही सेम अनाउंसमेंट यहाँ पर जो एक्सटेंड की जा सकती है पैसेंजर्स के लिए भी जो यहाँ पर ट्रेन में सफर कर रहे हैं। तो जैसे हवाई जहाजों में होता है ना कि जैसे कोई यहाँ पर जो एयर होस्टेस होती है वो बोलती है, और यहाँ पर पैसेंजर्स को पूरी बातें एक एक चीज मतलब मौके मौके पर बता दी जाती है। तो इसे बिल्कुल इसी तरीके से ट्रेन में अभी ये करने की बात चल रही है। तो अभी शुरुआत तो ड्राइवर्स के और सिक्योरिटी गार्ड्स के, जो यहाँ पर सॉरी गार्ड हैं ट्रेन के, उनके साथ होगी। बाद में यहाँ पर पैसेंजर्स को भी यहाँ पर इस तरीके से इतला यहाँ पर दी जाएगी। तो यहाँ पर ज्यादातर होता क्या है, ज्यादातर अनाउंसमेंट ही होती है अगर हम बात करें तो, इसी यहाँ पर नेटवर्क को यूज करके अनाउंसमेंट यहाँ पर सब तक पहुंचेगी। और बात करें जो यहाँ पर MTRC को अगर यूज करते हैं, तो यहाँ पर कम से कम समय लेता है इसका, यहाँ पर ये फायदा, इस टेक्नोलॉजी का ये फायदा है। और यहाँ पर 300 मिली सेकेंड्स में ही यहाँ पर कॉल जो है वो कनेक्ट हो जाती है जिस भी साथ के हम यहाँ पर कॉल करना चाह रहे हैं। और यहाँ पर 5 MHz स्पेक्ट्रम की अलॉटमेंट की बात कर रहे हैं कि इसकी अलॉटमेंट के चलते ही रेलवे जो है विल इंट्रोड्यूस लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन बेस्ड मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन ऑन इट्स रूट। तो यहाँ पर यही MTRC जो है इसका मतलब कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है इसको अपने रूट्स के ऊपर लगाएगा ये। तो यहाँ पर ट्रेन एक्सीडेंट्स को यहाँ पर रोकने में मदद मिलेगी। ओके, तो ज्यादातर ऐसा ही होता है ना, जैसे ट्रेन चलती जा रही है, उसको पता नहीं है ड्राइवर को कि आगे क्या है। ओके, तो उसको सिर्फ इतना पता है ड्राइवर को, गार्ड को सिर्फ इतना पता है कि जब सिग्नल आ जाएंगे ना बस तब रुकना है। तो इसके अलावा उनको और कोई चीज नहीं होती, मतलब सीधे सीधे गाड़ी को चलाना है सिर्फ। तो इसलिए ज्यादातर ड्राइवर्स जो होते हैं, गार्ड्स होते हैं ना, तो सिर्फ उनका भरोसा सिग्नल यहाँ पर लाइट के ऊपर ही होता है। वो ये नहीं देखते कि मतलब आगे कोई लोग खड़े होंगे पटरी के ऊपर, जो मतलब कि जो है दिवाली पे या फिर दशहरे पे जो है रावण दहन देख रहे होंगे पटरी पर खड़े होकर। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर एक अमृतसर में यहाँ पर कुछ साल पहले काफी बड़ा इंसिडेंट हुआ था, बहुत सारे लोग पटरी ऊपर चढ़ के ही जो यहाँ पर रावण दहन देख रहे थे, जिसके चलते ट्रेन आई कुचल कर आगे चले गई। तो
तो वही मैं बात कर रहा हूँ कि ट्रेन के जो ड्राइवर होते हैं, गार्ड्स होते हैं, उनको सिर्फ रेड लाइट और ग्रीन लाइट सिर्फ इनसे मतलब होता है। ओके, तो सिर्फ यहाँ पर गाड़ी को चलाना है। तो अभी इसी चीज को रोका जाएगा, एक्सीडेंट्स को रोका जा सकता है सीधे अगर हम कॉल ही मिला दें ड्राइवर के साथ। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से जब यहाँ पर किसी सेंट्रल लोकेशन पर कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, ओके, तो यहाँ पर सीधे कॉल जो है की जा सकती है। ओके, तो यहाँ पर ब्रॉडकास्ट कॉल की बात करें, यहाँ पर इस कम्युनिकेशन नेटवर्क को यूज करके कॉल करने की बात कर रहे हैं। और इसके अलावा बात कर रहे हैं कि जो डिलेज होता है यहाँ पर, जो रियल टाइम इंट्रैक्शन होती है बिटवीन लोको पायलट, स्टेशन मास्टर एंड कंट्रोल सेंटर, तो यहाँ पर स्टेशन मास्टर के साथ ज्यादातर तभी होती है जब स्टेशन के आसपास गाड़ी पहुंच रही होती है, तभी यहाँ पर बातचीत होती है। तो बताता है स्टेशन मास्टर की कब गाड़ी आएगी, रुक, रेड सिग्नल पहले ही हो जाता है, रोक दी जाती है गाड़ी, तो बातचीत हो जाती है कि मतलब कब गाड़ी निकलेगी, कब दूसरी गाड़ी आएगी। ओके, तो यहाँ पर रियल टाइम बेसिस पे ये डिलेज को भी रिड्यूस किया जा सकता है अगर यहाँ पर अच्छे तरीके से पहले से स्टेशन मास्टर के साथ, लोको पायलट के साथ आपस में कोई बातचीत हो, कंट्रोल सेंटर यहाँ पर जो है बातचीत कर ले। सबसे बड़ी बात यहाँ पर कंट्रोल सेंटर की है जो सभी स्टेशन को भी कंट्रोल करके चलेगा। ओके, स्टेशन के बारे में भी इसको जानकारी रहेगी, कौन से स्टेशन पर क्या सिचुएशन है, अगर कोई गाड़ी फंसी है तो यहाँ पर कब से फंसी है, कोई और रूट हो सकता है या जो यहाँ पर गाड़ी चली तो उसको दूसरा कोई रूट दे दिया जाए, तो यहाँ पर कंट्रोल सेंटर सब कुछ देख के चलेगा। ओके, तो ये सबसे बड़ी यहाँ पर उपलब्धि हम कह सकते हैं यहाँ पर। और आगे बात करें कि प्रोजेक्ट के ऊपर कभी काम किया जाएगा, 5 साल लगेंगे, और यहाँ पर जो एस्टिमेशन जो खर्चा है वो 25,000 करोड़ रुपए तक का आएगा इस प्रोजेक्ट के तहत। और आगे बात करें जो LTE है, तो यहाँ पर इसको यूज किया जाएगा फॉर मॉडर्न सिग्नलिंग एंड ट्रेन प्रोडक्शन सिस्टम के तौर पर, और यहाँ पर इंश्योर किया जाएगा सीमलेस कम्युनिकेशन बिटवीन लोको पायलट्स एंड गार्ड्स। दिस विल ऑल्सो इनेबल रेलवे टू टेक अप इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ओके, तो यहाँ पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब जिसके चलते नेट को यूज करते हैं, जो भी आप काम कर सकते हो, बेस्ड रिमोट मॉनिटरिंग या पर्टिकुलरली ऑफ कोचेस बात कर लें, वैगन्स की बात करें, लोकोस की बात करें, मॉनिटर लाइव फीड्स ऑफ सीसीटीवी कैमरास इन द कोचेस। तो यहाँ पर जो बोगियों में जो सीसीटीवी कैमरास लगे तो उनकी यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग भी यहाँ पर देखी जा सकती है कंट्रोल सेंटर के द्वारा कि मतलब क्या सिचुएशन है। ओके, तो मतलब सेफ्टी बढ़ेगी जितनी अगर ऑनलाइन वॉचिंग आपकी बढ़ेगी, तो मतलब कोई यहाँ पर गाड़ी चल रही है तो अगर महिलाएं भी सफर कर रही है, अकेले भी सफर कर रही है, तो पता चलता जाएगा रियल टाइम बेसिस पे कि क्या सिचुएशन है किसी पर्टिकुलर गाड़ी में। ओके, तो फायदा है। और बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले बात यही कि सिंगल टच डायलिंग यहाँ पर है, एक ही बस टच करना है तो यहाँ पर डायलिंग हो जाएगा जिसको भी आपने कॉल करनी है। दो सेक्शन यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो दूसरा सबसे पहले यहाँ पर बात करें डिप्टी ट्रेन कंट्रोलर और दूसरा है EMU कंट्रोलर। ओके, तो सीधे आपने बटन दबाना तो यहाँ पर जिस भी कंट्रोलर का आप फोन लगा रहे हो आपका लग जाएगा। आगे यहाँ पर ऑटो कॉल आंसर फॉर कैब रेडियोस फॉर मोटरमैन। ओके, तो यहाँ पर ऑटो कॉल आंसर भी है यहाँ पर। ओके, दे सकते हैं कि मतलब जो भी ये काम कर रहे हो मोटरमैन के द्वारा, गार्ड्स के द्वारा आंसर दिया जा सकता है। तो यहाँ पर सिर्फ ऑडियो ही रिसीव होगा इसके चक्कर में। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ 3 कंट्रोलर्स TPC SIG TMS आर फेड इन टू फोन बुक फॉर इजी एसेस वाइल डायलिंग। यहाँ पर फोन बुक में यहाँ पर डाल दिया जाएगा आपके, तो यहाँ पर डायल करने में आपको इजी एसेस रहेगा। मोटरमैन जो है डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं डिफेक्ट ऑफ EMU और टू EMU कंट्रोलर विच रिड्यूसेस डिटेंशन ऑफ अदर ट्रेन्स। ओके, तो यहाँ पर पता चल जाएगा कि मोटरमैन को पता चल जाएगा क्या खराबी है किसी इंजन में EMU में। ओके, तो यहाँ पर जो छोटी गाड़ियां चलती हैं ट्रेन की, ओके, जो रेलवे की, तो यहाँ पर अगर पहले पता चल जाता कि क्या प्रॉब्लम है तो बाकी जो ट्रेन है उनको भी नुकसान कम होगा, उनकी भी डिले रुक जाएगी। और आगे बात कर रहे हैं इन एनी अनयूजुअल सिचुएशन इफ द कॉल्ड MTRC फोन इज बिजी देन ऑन मेकिंग एमरजेंसी कॉल ओवरराइडिंग फीचर ऑफ द स्पीच विल बी गेट थ्रू एंड कम्युनिकेशन विल बी एस्टेब्लिश एमरजेंसी कॉल गोज टू बाई डिप्टी CTNL। ओके, तो जैसे एमरजेंसी सिचुएशन में जैसे मैंने बात की ब्रॉडकास्ट कॉल लगाई जा सकती है अगर यहाँ पर MTRC वाला फोन जो है बिजी आ रहा है, तो अगर मतलब एमरजेंसी बतानी, कोई जरूरी बात बतानी कि भाई उसी रेल लाइन पे कोई दूसरी गाड़ी तो नहीं आ रही। तो यहाँ पर ऐसे भी बहुत सारे इंसिडेंट्स भारत में हुए हैं, हालांकि ऐसे हादसों को रोकना बहुत टफ है लेकिन कोशिश तो की जा सकती है। और आगे बात करें यहाँ पर कलार कॉरिडोर के बारे में, तो ये न्यूज में क्यों है कलार कॉरिडोर, तो अभी यहाँ पर कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं प्रोटेक्शन करनी है यहाँ पर, वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल एलिफेंट कॉरिडोर है। ओके, तो यहाँ पर तमिलनाडु में जहाँ पर से जो हाथी है ना वो गुजरते हैं, तो उनका रास्ता है ये जिसको कलार कॉरिडोर बोला जाता है। तो इसको जो कोयम्बटूर के जो कलेक्टर हैं एस नागराजन, तो उन्होंने यहाँ पर इसको, इसका जो एरिया है 50.79 हेक्टेयर्स का, उसको यहाँ पर प्राइवेट लैंड घोषित कर दिया है इन द कोलार कॉरिडोर एरिया एज अ प्राइवेट फॉरेस्ट। तो यहाँ पर किस एक्ट के तहत इसको बनाया गया, तमिलनाडु प्रिजर्वेशन ऑफ प्राइवेट फॉरेस्ट एक्ट 1949। तो इसके तहत इसकी प्रोटेक्शन अभी और बढ़ा दी जाएगी जब यहाँ पर प्राइवेट लैंड इसको घोषित किया जाएगा, किया गया है अभी इस एक्ट के तहत। तो सबसे पहली बात अगर बात करूं इसका जो नाम है ना एक्चुअल में कलार कॉरिडोर का, वो यही नाम है असल में, नाम याद रखिएगा, नाम है
जैकानेर हुलीकुल दुर्गम कॉरिडोर, तो यहाँ पर वैसे इसको कलार कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। तो ये नीलगिरी फुटहिल्स जो है ना, यहाँ पर जो मेट्रोपोलायम के पास में, तो वहां पर ये है, ओके, कलार कॉरिडोर। और आगे बात करेंगे क्रिस क्रॉस, मतलब दो नदियां आपस में क्रॉस होती हैं, क्रिस क्रॉस होती हैं। सॉरी, यहाँ पर नदियों की बात नहीं हो रही, यहाँ पर मेट्रोपोलायम और यहाँ पर उदगमंडलम, तो यहाँ पर एक सड़क है जो कि आपस में क्रिस क्रॉस होती है, तो अभी यहाँ पर उसकी बात की जा रही है, मेट्रोपोलायम और यहाँ पर उदगमंडलम। तो यहाँ पर इसका नाम याद रखेगा थोड़ा, तो यहाँ पर सड़कें आपस में क्रिस क्रॉस होती है, तो यहाँ पर नेशनल हाईवे 67 पड़ता है। और ये थोड़ा कॉरिडोर थोड़ा तंग है, यहाँ पर प्लांटेशंस भी हैं और यहाँ पर और डेवलपमेंट एक्टिविटीज भी यहाँ पर चल रही हैं। और कॉरिडोर यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर ब्रह्मगिरी और नीलगिरी जो ईस्टर्न घाट जो एलिफेंट पॉपुलेशन है ना, तो यहाँ पर उसको आपस में जोड़ता है विद नीलाम्बोर साइलेंट वैली कोयम्बटूर पॉपुलेशन रेंज। यहाँ पर दो तरीके की यहाँ पर रेंज है हाथियों की, एक है यहाँ पर ब्रह्मगिरी नीलगिरी ईस्टर्न घाट एलिफेंट पॉपुलेशन रेंज, और दूसरा यहाँ पर है नीलाम्बोर साइलेंट वैली कोयम्बटूर पॉपुलेशन डे। तो इन दोनों को आपस में ये कॉरिडोर जोड़ता है, तो दोनों, और जो है हाथियों की जनसंख्या ही पाई जाती है, और यहाँ पर जो मूवमेंट है हाथियों की इन दोनों रेंजेस के बीच में, तो यहाँ पर जेनेटिक एक्सचेंज पता चलता है, डिस्पर्सल मतलब कौन सा हाथी गया कौन सा हाथी किस ओर जा रहा है इसके बारे में पता चलता है, और यहाँ पर जो वेराइटीज है उसके बारे में भी पता चलता है। और आगे यहाँ पर 8,000 व्हीकल्स जो है वो इस कलार कॉरिडोर से डेली गुजरते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाथियों को सेफ करके चला जाए, बहुत सारे हाथियों की मृत्यु हो जाती है ऐसे सड़क के ऊपर। और अगर इंटरनेशनल फंड की बात करें, इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वेलफेयर, तो ये यहाँ पर लार्जेस्ट एनिमल वेलफेयर और केयर चैरिटी है पूरे विश्व भर में, नाम याद रखिएगा इसका। और ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है जो इंडिविजुअल एनिमल्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करती है, पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करती है, आबादी बरकरार रहे, ऐसे जीवों की हैबिटेट जो है जहाँ पर रहते हैं वो जगह यहाँ पर आबाद रहे, वो यहाँ पर उनकी वकालत करती है कि मतलब ग्रेटर सिक्योरिटी इन ऐसे एरियाज की होनी चाहिए। और इसको यहाँ पर बनाया गया था ब्रायन डेविस के द्वारा, कब बनाया गया था इसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में। और आगे यहाँ पर बात करें जो इंडियन एलिफेंट का स्टेटस है उसके बारे में, तो यहाँ पर इंडियन एलिफेंट की बात करें, सो वन ऑफ द थ्री मेजर सब स्पीसीज ऑफ एशियन एलिफेंट, तो एशियन एलिफेंट में यहाँ पर तीन स्पीसीज पाई जाती है जिसमें से एक यहाँ पर भारत में पाया जाता है, तो यहाँ पर नेटिव है मेनलैंड एशिया में। 1986 की अगर बात करें उससे बात करें, तो यहाँ पर जो एशियन एलिफेंट्स हैं तो यहाँ पर इसको IUCN की रेड लिस्ट में ही जगह दी गई, तो एंडेंजर्ड यहाँ पर इनको रखा गया है, मतलब खतरे में ही है प्रजाति। तो यहाँ पर क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो वाइल्ड पॉपुलेशन है तो वो काफी यहाँ पर गिर चुकी है, तो बिकॉज ऑफ ए डिक्लाइन इन वाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ एटलीस्ट 50% बिटवीन 1930s एंड 1940, तो ये 10 सालों के बीच में ही यहाँ पर काफी पॉपुलेशन 50% तक यहाँ पर गिर गई। ओके, तो ये सिचुएशन है एलिफेंट्स के रिगार्डिंग। और आगे बात करें इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN के बारे में, तो ये भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका जो मेन गोल है वो है टू फाइंड प्रैक्टिकल सोल्यूशन टू आवर मोस्ट प्रेसिंग एनवायरमेंटल डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स, रिलीजेस द रेड लिस्ट व्हिच असेसेस द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। तो ये एलिफेंट कॉरिडोर है। तो राइट ऑफ पैसेज, ये पूरे भारत में जो एलिफेंट कॉरिडोर, कुछ यहाँ पर देखो ये पूरा भारत का नक्शा है, कुछ यहाँ पर कश्मीर वाले रीजन में है, हिमाचल वाले उत्तराखंड वाले रीजन में है, और ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी काफी एलिफेंट कॉरिडोर आपको देखने को मिलेंगे। ओके, इसके अलावा अगर बात करें, ये हमारा ओडिशा वाला साइड है, ओडिशा वाली साइड, तेलंगाना वाली साइड है, ओके, महाराष्ट्र वाली साइड है, मध्य प्रदेश वाली साइड है, तो इन सभी एरियाज में भी आपको एलिफेंट कॉरिडोर देखने को मिलेंगे। और बाकी जो वेस्टर्न घाट है, महाराष्ट्र, कर्नाटक हो गया, गोवा हो गया, केरल हो गया, ओके, तो यहाँ पर भी हाथियों की अच्छी खासी जनसंख्या आपको देखने को मिलेगी। तो लेक्चर थोड़ा लंबा इसलिए हो गया क्योंकि तीन तीन दिनों का यहाँ पर जो है कलेक्टिव लेक्चर हमारा चल रहा है। तो ये देखो ये वाला एरिया है कलार कॉरिडोर, ओके, ये वाला जो एरिया यहाँ पर, ये वाला जो डार्क में शो किया हुआ है ना, तो ये कलार कॉरिडोर है। ओके, तो ये पूरी की पूरी सिचुएशन यहाँ पर बताई गई है, तमिलनाडु में ये एरिया पड़ता है। ओके, तो ये एरिया ही ऐसा है, एक एक साइड से कर्नाटक का बॉर्डर आ रहा है, एक साइड से जो है केरल का बॉर्डर आ रहा है, एक साइड से तमिलनाडु वाला बॉर्डर आ रहा है, तो यहाँ पर एरिया लोकेशन ही ऐसी बनती है, तो ये वाला कॉरिडोर है। तो इस लेक्चर में अभी इतना ही, तो कैसा लगा आपको लेक्चर, अपना फीडबैक जरूर दें, शेयर करें इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।